अभय अभय बेटा, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? रुको बच्चे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, रुको। कहते हुए एक औरत एक छोटे से बच्चे के पीछे भागे जा रही थी। उस औरत ने एक गुलाबी कलर की बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उस औरत के लंबे घने बाल कमर तक खुले हुए थे। एक छोटे से बच्चे के पीछे भागते हुए वह उसे आवाज लगा रही थी। वह छोटा सा बच्चा भागते हुए बोल रहा था, माँ आ जाओ, मुझे पकड़ो, माँ आओ मुझे पकड़ो, देखो आप मुझे नहीं पकड़ सकती, आओ मुझे पकड़ो। कहते हुए वह बच्चा हंसते हुए आगे भागते जा रहा था। उस बच्चे की हंसी और उसकी माँ की आवाजें उस बड़े से घर में गूंज रही थी। उस आलीशान घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बनाने वाले ने इस घर को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। चारों तरफ महंगे पर्दे, सोफे और कालीन बिछे हुए थे। बड़े बड़े झूमर और चारों तरफ घूमते हुए नौकर चाकर को देखकर पता लग रहा था कि यह जरूर कोई रईस घराना है। और उस बड़े से आलीशान घर के अंदर उन दोनों माँ बेटे की किलकारी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की असली खुशी तो वो छोटा सा कियांश ही है। तभी छोटा सा कियांश भागते हुए अचानक जमीन पर फिसल कर गिर गया। उसकी माँ ने उसे जैसे ही गिरते हुए देखा, उसकी माँ की एक चीख अभय, और इसी के साथ नीचे फर्श पर बिछे गद्दे पर सोए अभय की नींद अचानक से खुल गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली वो एक झटके से उठते हुए बोला, माँ। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली और उसे थोड़ा होश आया कि वह कहां पर था, तब उसे समझ आया कि वो जो कुछ भी अभी देख रहा था वह एक सपना था। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। तभी उसके कमरे के बाहर हॉल से अचानक से शोर की आवाज आने लगी। उस शोर को सुनते ही कियांश जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर दौड़ा। उसने देखा कि कमरे के बाहर उसकी सास मिसेस खन्ना जोर जोर से शोर कर रही थी। वह चिल्लाते हुए बोली, हो क्या रहा है इस घर में? इस घर में कुछ भी चीज समय पर क्यों नहीं मिलती है? कुछ ढूंढते हुए वह लिविंग रूम की चीजों को इधर उधर करे जा रही थी और साथ ही चिल्ला रही थी। तभी अभय भागते हुए उनके पास आया और बोला, मॉम आप क्या ढूंढ रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। यह सुनते ही सामने खड़ी मोटी सी मिसेस खन्ना गुस्से से उसे ताना कसते हुए बोली, तुम मेरी मदद करोगे? तुम जो खुद की भी मदद नहीं कर सकते, वह मेरी क्या मदद करेगा? जो खुद अपने ससुराल वालों के पैसों पर पल रहा है, उनकी दो टाइम की जूठन से अपना काम चलाता है, अपनी बीवी का खर्चा उठाना तो दूर, उसकी देखभाल भी नहीं कर सकता, वह मेरी मदद करेगा? कहते हुए उन्होंने गुस्से से अपने दांत पीसे। यह सुनकर अभय को बहुत बुरा लगा। अचानक से उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, मॉम आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? बताइए ना, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा ना, मैं ढूंढ देता हूँ, बताइए। ये सुनकर उसकी सास मिसेस खन्ना ने कहा, तुम मुझे आखिर दे ही क्या सकते हो? अगर देना चाहते ही हो तो शांति दो और अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ मेरे घर से। यह सुनकर अभय का मुंह लटक गया और वही मिसेस खन्ना उस पर चिल्लाते ही जा रही थी। अभय से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह वापस से अपने कमरे की तरफ चला गया। वह मन ही मन अपने ससुराल वालों के बर्ताव के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी बीवी के घर वालों को उससे इतनी प्रॉब्लम है। कुछ सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में जाकर वापस से बेड पर बैठकर वह अपने बीते हुए कल के बारे में याद करने लगा। पिछले 3 साल से वह अपने ससुराल में अपनी बीवी के मायके में रह रहा था। आज तक वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे पाया था। यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी लगता था कि अभय एक नालायक शख्स है जो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है।
यह सब सोचकर अभय दुखी हो गया था। तभी उसकी नजर सामने लगी घड़ी पर गई। उसने देखा कि घड़ी में करीब 10 बजने को आए थे। यह देखकर वह जल्दी से अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ भागते हुए खुद से बोला, ओ नो, आज अगर मैं लेट हो गया तो मेरी खैर नहीं। ये सोचते हुए वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा और कुछ ही देर में तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। ओबेरॉय रियल एस्टेट कंपनी, जो कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की एक बड़ी सी पुरानी इमारत थी। भागते हुए यहाँ पहुँचने पर अभय ने इस बिल्डिंग को देखकर एक गहरी सांस ली और फिर जल्दी से अंदर की तरफ भागा। तभी उसका एक साथी, जो कि उसी के साथ काम करता था, वो अभय को देखकर हंसते हुए उसके पास आया और बोला, क्यों भाई लेट हो गया? चल कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्या हुआ, आखिर तेरी बीवी तो है ही तुझे बचाने के लिए, वो हमेशा की तरह तुझे इस बार भी बचा ही लेगी। ये कहते हुए उसका साथी, जिसका नाम किशन था, वह उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। अभय ने उसे घूर कर देखा और आगे जाने लगा कि तभी किशन ने उसे चढ़ाते हुए कहा, अरे परेशान क्यों हो रहा है यार, इतनी जल्दी किस बात की है, वैसे भी तुझे अपनी बीवी के पास जाकर भी तो डांट ही खानी है, ससुराल वालों के पैसों पर पलता है, बीवी की कमाई खाता है, तेरे जैसे इंसान का जिंदगी में पता नहीं क्या होगा। कहते हुए किशन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े ऑफिस के और लोग भी हंसने लगे। अभय ने गुस्से से भरी अपनी एक नजर किशन पर डाली और वहां से आगे बढ़ने लगा कि तभी सामने से आते मैनेजर राजेश से टकरा गया। जैसे ही वह मैनेजर राजेश से टकराया, मैनेजर राजेश ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों भाई हो गया तुम्हारा ऑफिस आने का टाइम, आराम से आते, अभी क्या जरूरत थी इतना जल्दी आने की, आप तो इस कंपनी के मालिक हैं, जब मर्जी तब चले आते, आपको कौन सा किसी की इजाजत की जरूरत है यहाँ आने और जाने से पहले, आखिर कंपनी तो तुम्हारे बाप की ही है। यह सुनकर अभय को भी गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से मैनेजर राजेश को घूरते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैनेजर राजेश ने अपने मोटे से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा चल कर रहा हूँ तो बोल क्या करेगा, और वह सब छोड़, तू मुझे यह बता कि पिछले 3 महीने से तुम मुफ्त की तनख्वाह ले रहा है, तूने आज तक कितने फ्लैट बेचे हैं बता। थोड़ी देर रुककर मैनेजर राजेश फिर बोला, इस कंपनी में तेरी बीवी काम करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी तूने और उसने खरीद ली है, बहुत हो गया तुम दोनों का, अब नहीं, अब तुझे मैं बताता हूँ कि मैनेजर राजेश क्या चीज है, कान खोल कर सुन, मुझे कल सुबह 9 बजे से पहले पहले कम से कम 100 फ्लैट बेच कर दिखा, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठा और अपनी बीवी को यहाँ से लेकर निकल ले, आई समझ में तुझे, या और डिटेल में समझाऊं? मैनेजर राजेश की ऐसी बातें सुनकर अभय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इस समय राजेश को कुछ भी कहा तो मैनेजर राजेश उसे और उसकी बीवी को सच में कंपनी से निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और कियांश ये भी जानता था कि मैनेजर राजेश बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। अभय अपने और अपनी बीवी के लिए कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने मैनेजर राजेश की खरी खोटी बातों को चुपचाप सुन लिया। चारों तरफ खड़े लोग जो मैनेजर राजेश की बातें सुन रहे थे, वो अभय को देखकर उसके मुंह पर ही हंस रहे थे। तभी मैनेजर राजेश ने एक बार फिर से अभय को घूरते हुए कहा, समझ आई तुझे मेरी बात, या फिर और अच्छे से समझाऊं? यह सुनकर अभय ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और मुड़कर वापस से ऑफिस के अंदर जाने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह इस बारे में क्या करेगा, तभी उसके कानों में एक बार फिर से मैनेजर राजेश की आवाज पड़ी, कहाँ जा रहे हो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। यह सुनकर अभय ने पीछे की तरफ देखा तो मैनेजर राजेश ने उसे घूरते हुए उसके थोड़ा सा करीब आकर उसके कान में धीरे से कहा, अगर यह ना कर पाओ तो एक तरीका और है, कहो तो बता दूं।
और वह इससे कहीं गुना ज्यादा आसान भी है, जिससे तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जॉब हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगी। यह सुनकर अभय ने सवालिया नजरों से मैनेजर राजेश की तरफ देखा। मैनेजर राजेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई खुराफात चल रही है। तभी मैनेजर राजेश ने उसे अपने थोड़ा करीब आने का इशारा कर धीरे से उसके कान में कहा, अगर 100 फ्लैट ना बेच पाओ तो कल अपनी खूबसूरत सी बीवी को हमारे बॉस के साथ एक डिनर के लिए भेज देना। उसके बाद तेरी और तेरी बीवी की जिंदगी भर की ये जॉब पक्की। यह सुनकर अभय का गुस्सा उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने गुस्से से मैनेजर राजेश की कॉलर पकड़ी और उसे खींचते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? वह आगे कुछ कहता कि तभी उसके कानों में किसी की हील की टक टक की आवाज आई। उसने नजर घुमाई तो सामने खूबसूरत सी लड़की जिसने घुटनों तक की क्रीम कलर की एक सिंपल ड्रेस पहन रखी थी और अपने बालों को पोनीटेल बनाकर बांधा हुआ था। अभय की आंखें उस लड़की की बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखों पर रुक गई। तभी उसकी जेब में पड़ा उसका फोन बजने लगा। अभय जो अभी सामने खड़ी लड़की की आंखों में खोया हुआ था, उसने एक झटके से मैनेजर राजेश का कॉलर छोड़ दिया और थोड़ी दूर जाकर अपनी जेब से फोन निकालकर फोन उठाते हुए बोला, हाँ कौन बोल रहा है? अभय को फोन पर बात करते हुए देखकर राजेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस लड़की की तरफ देखकर अभय की अभी की हुई हरकत के बारे में बोलना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर खड़े अभय ने फोन के दूसरी तरफ से आती आवाज को सुना, हेलो सिंघानिया सर, मैं आपका फैमिली एडवोकेट एडवोकेट सिन्हा बोल रहा हूँ। यह सुनते ही अभय, जो अभी तक राजेश की कही बातों से गुस्से में था, एडवोकेट सिन्हा का नाम सुनकर उसने अपने कान से फोन हटाकर स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखा। एडवोकेट सिन्हा का नाम देखकर वह थोड़ा हैरान हो गया। उसने दोबारा से फोन कान पर लगाया तो एडवोकेट सिन्हा बोले, कांग्रेचुलेशन सर, आपके स्वर्गीय पिता के द्वारा छोड़ी गई सारी विरासत अब कानूनन आपके नाम कर दी गई है, अब आप उसके इकलौते वारिस हैं। यह कहकर एडवोकेट सिन्हा ने फोन कट कर दिया। अभय एडवोकेट सिन्हा की बात सुनकर इतना हैरान था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कॉल कट हो गई थी। उसकी खुशी इस समय इतनी थी कि वो पीछे खड़े मैनेजर राजेश की बातों को भी सुन नहीं पा रहा था। एडवोकेट सिन्हा की बात सुनकर अभय चमकती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए पीछे पलटा कि तभी एक जोरदार तमाचा किसी ने उसके गाल पर जड़ दिया। चांटे की गूंज इतनी थी कि चारों तरफ खड़े सभी ने यह आवाज साफ सुनी थी। वहीं अभय को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ अचानक क्या हुआ। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा अभय को ये थप्पड़ और कौन है एडवोकेट सिन्हा? क्या मतलब है उसकी बातों का? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अभय के पीठ पीछे मैनेजर राजेश अभी अभी आए उस लड़की को भड़काते हुए बोला, शिप्रा जी, आप यहाँ, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई। देखा आपने कितना फायदा उठाता है आपकी पीठ पीछे या आपके स्टेटस का। आपने देखा, इसने मुझ पर हाथ उठाया और ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है। हम तो बस आपकी इतनी इज्जत करते हैं, इसीलिए आज तक आपसे कुछ भी नहीं कहा और आज भी नहीं कहते, लेकिन अब आपने देख लिया तो। फिर झट से अपनी बात बदलते हुए राजेश बोला, छोड़िए आप ये सब, चलिए चलते हैं यहाँ से। प्लीज आप उससे कुछ मत कहिएगा, ये सब तो चलता रहता है। ये सब सुनकर और देखकर शिप्रा गुस्से से अभय की तरफ बढ़ी। तभी अभय अपनी फोन कॉल करके पीछे मुड़ा ही था कि शिप्रा ने एक जोरदार चांटा अभय के गालों पर रख दिया। अभय को थप्पड़ पड़ते ही लोग हैरानी से उसे देखने लगे। अभय ने जब नजरें उठा के सामने खड़े शख्स की तरफ देखा तो उसका सारा गुस्सा बेबसी में बदल गया। अपने सामने खड़ी अपनी बीवी शिप्रा को देखकर उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। पीछे खड़े मैनेजर राजेश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देखकर वह समझ गया था कि हो ना हो शिप्रा ने मैनेजर राजेश की बातों को सच मान लिया है
उसने शिप्रा के कुछ कहने से पहले ही उसको सफाई देते हुए अपना मुंह खोला। शिप्रा, तभी शिप्रा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम कंपनी में इस तरह खराब करने की? चलो मेरे साथ। शिप्रा ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। शिप्रा को अभय को ऐसे खींच कर ले जाते हुए देख ऑफिस के बाकी सभी लोग एक बार फिर से आपस में बात करते हुए हंसने लगे। अभय के कानों में उनकी हंसी की आवाज ऐसे चुभ रही थी जैसे किसी ने गर्म शीशा उसके कानों में पिघला दिया हो। वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो शिप्रा से सबके सामने कुछ कहकर उसकी और बेइज्जती का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे चला गया। शिप्रा खींच कर अभय को जल्दी से अपने कैबिन में लेकर गई और गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें बढ़ाते रहते हो? मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें पसंद किया, तुमसे शादी की। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हो कौन तुम, एक मामूली सी सेल्समैन या एक घर जवाई जो सालों से अपने ससुराल वालों पर बोझ बना हुआ उनकी जूठन पर पल रहा है? शिप्रा ने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में अभय पर अपनी सारी भड़ास एक सांस में ही निकाल दी। उसकी आंखों में इस समय गुस्सा और पछतावा साफ नजर आ रहा था। अभय के होश तो शिप्रा की बात सुनकर ही उड़ चुके थे। अभी कुछ देर पहले वो शिप्रा को सबसे पहले ये बात बताना चाहता था कि उनकी जिंदगी की सभी परेशानियां अब खत्म, लेकिन शिप्रा की ये बात सुनकर अभय के दिल को एक धक्का लगा था। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता कि तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। दोनों ने पलट कर देखा तो सामने खड़े उस शख्स को देखकर अभय के मुंह से अचानक निकला, बस इसी की कमी थी। शिप्रा ने सभी सवालों को एक साइड किया और अभय को गुस्से से एक लुक देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने ब्लैक थ्री पीस सूट, ब्लैक लेदर शूज के साथ आंखों पर ब्लैक चश्मा, जो उसकी पर्सनैलिटी को और अट्रैक्टिव बना रहा था। उसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी। वो आदमी अभय और शिप्रा दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहले भी इन दोनों को ऐसे ही लड़ते झगड़ते देखा है। तभी शिप्रा जल्दी से आगे आई और उसने अपनी गर्दन हल्के से झुकाकर उस शख्स को ग्रीट करते हुए अपनी मीठी आवाज में कहा, गुड आफ्टरनून सीईओ। यह शख्स कोई और नहीं, ओबेरॉय रियल एस्टेट कंपनी का नया सीईओ आरुष ओबेरॉय था। आरुष काफी घमंडी इंसान था। उसने अभय को ऐसे देखा जैसे वह किसी कूड़े को देख रहा हो। तभी उसे शिप्रा की मीठी आवाज सुनाई दी। उसने अभय से नजरें हटाकर शिप्रा की तरफ देखते हुए उसे ऊपर से नीचे तक अपनी आंखों से स्कैन किया और बोला, शिप्रा तुम अपने यह घरेलू झगड़े अपने घर पर निपटाया करो, यहाँ पर यह सब नहीं चलेगा। यह सुनकर शिप्रा ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। आरुष के लिए उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखना कोई नई बात नहीं थी। आज भी शिप्रा हमेशा की तरह अभय को डांट रही थी और अभय हमेशा की तरह उसकी डांट चुपचाप खा रहा था। आरुष ने शिप्रा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, मुझे बताओगे यहाँ क्या चल रहा है? तभी पीछे से मैनेजर राजेश की आवाज आई, जी सर मैं बताता हूँ आपको यहाँ क्या चल रहा है। कहते हुए वह आगे आया और उसने झुककर आरुष का अभिवादन किया। आरुष ने भी गर्दन हिलाकर उसका जवाब दिया। मैनेजर राजेश ने थोड़ा झुककर आरुष की बात का जवाब देते हुए उसके कान में धीमी आवाज में कुछ कहा, जिसे सुनते ही आरुष की आंखें चमकने लगी। उसने तुरंत अपनी आंखों से चश्मा हटाया और ऊपर से नीचे की तरफ शिप्रा को बड़े गौर से देखने लगा। शिप्रा ने आज घुटनों तक की एक सादी ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसमें उसका फिगर काफी निखर कर बाहर आ रहा था। उसकी खूबसूरती किसी भी मेकअप की मोहताज नहीं थी, वह अपने आप में एक नेचुरल ब्यूटी थी। उसके शरीर की बनावट और उसके चेहरे की मासूमियत एक झलक में ही किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। आरुष ने जब शिप्रा को देखा तो जैसे उसके अंदर कुछ होने लगा था, वह मन ही मन मुस्कुराया और बोला, शिप्रा न जाने तुम जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की ने इस जैसे आदमी को कैसे पसंद कर लिया। बुरा मत मानना, लेकिन इस जैसा कूड़ा तुम जैसी अप्सरा को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। ये कहते हुए आरुष ने
एक नजर अभय पर डाली और अपने कॉलर को सही करते हुए बोला, अच्छा चलो छोड़ो वो सब, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें इस आदमी से कोई जवाब ना मिले तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस आदमी को एक मौका और देने की सोच लूंगा। यह सुनकर शिप्रा थोड़ा खुश हो गई। अभय ने भी ये सुनकर जब आरुष की तरफ देखा तो उसकी आंखों में वासना की भूख साफ दिखाई दे रही थी। अभय की मुट्ठियां अचानक कस गई। वह जानता था कि आरुष अच्छा इंसान नहीं है और उसकी नजर उसकी बीवी पर है। आरुष ने आगे कहा, शिप्रा क्यों ना तुम कल का डिनर मेरे साथ करो, मैं अपने लिए एक अच्छे पर्सनल असिस्टेंट की तलाश में हूँ और मुझे लगता है कि इस डिनर के बाद मेरी वो तलाश पूरी हो जाएगी और फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारे पति को भी इस जॉब पर रहने दूँ। यह कहते हुए आरुष शिप्रा को ललचाई नजरों से घूरे जा रहा था। शिप्रा भी इस बात से अनजान नहीं थी, वह जानती थी कि आरुष की बात का छुपा हुआ मतलब क्या है। तभी आरुष ने अपनी बात को पूरा करते हुए मजाकिया लहजे में कहा, वैसे शिप्रा काफी ठंड है आजकल, अच्छा होगा अगर कल शाम को तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ तो। ये कहते हुए और उसने एक मुस्कान शिप्रा को दी। आरुष की बात सुनकर शिप्रा ने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया। वो दोनों आपस में बातों का मतलब बखूबी समझ रहे थे। अभय का गुस्सा अब आसमान छूने लगा था। वह गुस्से से आरुष पर फटने ही वाला था कि तभी शिप्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाकर कहा, मेरे लिए और परेशानी खड़ी करने के बारे में सोचना भी मत। आरुष की बातों को सुनकर वैसे ही शिप्रा बहुत परेशान हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अब उसकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है और वो जल्दी से आरुष को एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से चली गई। शिप्रा के जाते ही आरुष ने अभय को घूर कर देखा और उसका मजाक उड़ाने के लहजे में बोला, तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वैसे भी तुम जैसे घटिया और गरीब आदमी के साथ रहते रहते बेचारी मासूम सी शिप्रा परेशान हो गई होगी, मैं तो सिर्फ उसे एक अच्छा डिनर और एक खूबसूरत सी रात देना चाहता हूँ। अब इस बात पर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अगर ऐसा है तो ओपन चैलेंज करता हूँ मैं तुम्हें, आओ और लड़ो मुझसे, वरना अपनी खूबसूरत सी चांद जैसी बीवी के साथ मुझे एक खूबसूरत सी रात बिताते हुए देखना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका वीडियो बनाकर भी भिजवा सकता हूँ। आरुष ने बहुत बेशर्मी के साथ अभय से कहा और ये कहकर आरुष हंसते हुए वहाँ से निकल गया। उसके पीछे ही मैनेजर राजेश भी हंसते हुए वहाँ से निकल गया। अभय ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और दीवार पर जोर से घूसा दे मारा। कुछ देर बाद इन सब बातों को सोचते हुए वो वहाँ से निकल गया। वही शिप्रा जब दोबारा वापस अपने कैबिन में आई तो उसने किसी को वहाँ न देखकर एक गहरी सांस ली और खुद से ही बातें करते हुए बोली, बस बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं, अब मैं अभय के साथ नहीं रह सकती, मैं और इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकती, अब इस रिश्ते का असर मेरे करियर पर पड़ने लगा है, अभय की वजह से मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती, अब मुझे छुटकारा चाहिए इस सब से। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से निकलकर अभय खाली सड़क पर बेसुध सा चले जा रहा था। उसकी पिछले 3 सालों की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की थी उसने और शिप्रा ने। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद अभय ने जो बिजनेस अपने बलबूते पर खड़ा करने की कोशिश की थी उसमें लॉस आने की वजह से वो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल पाया। उस डूबते बिजनेस के साथ ही जैसे इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बदलता गया। अभय और शिप्रा के बीच इस बिजनेस के खत्म होते ही दूरियां आने लगी थी। दोनों का प्यार इन दूरियों में कहीं गुम सा गया था। अभय ने शिप्रा के साथ साथ हर चीज से दूरी बना ली थी और पिछले 3 साल से वो घर पर खाली पड़े हुए अपने ससुराल वालों के ताने सुन सुन कर तंग आ चुका था। और आज शिप्रा का उससे ये कहना कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है अभय से शादी करके, ये बात अभय की बची कुची हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी थी। अभय जो सिर्फ शिप्रा के लिए अपनी जिंदगी जी रहा था वह बेसुध सा सड़क पर चले जा रहा था बिना किसी की परवाह किए, बेसुध सा।
तभी उसे आरुष की कही बातें याद आने लगी। उसकी बातों को याद करते हुए वह गुस्से और बेबसी से भर गया। वो सुनसान सड़क पर बिना चारों तरफ देखे चले ही जा रहा था कि तभी सामने से अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके बहुत नजदीक आ गया और अभय की एक चीख उस सुनसान रात को चीरते हुए निकल गई और इसी के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये अभय की जिंदगी का अंत है? क्या आरुष और राजेश की प्लानिंग कामयाब हो जाएगी? क्या शिप्रा अभय को छोड़ने की सोच रही है? क्या अभय शिप्रा को एडवोकेट सिन्हा के फोन के बारे में बता पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। मिस्टर सिंघानिया उठिए, होश में आइए। आप ठीक तो है मिस्टर सिंघानिया? आंखें खोलिए, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप ठीक है मिस्टर सिंघानिया? यह आवाज सुनकर अभय ने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा गया था। वह अपनी आंखों को बहुत कोशिश करने के बाद खोलकर इधर उधर देखने लगा। आंखें खोलते ही उसे अपनी आंखों के सामने एक अनजान चेहरा नजर आया। उस चेहरे को देखकर अभय ने अपनी पलकों को 3 से 4 बार झपकाया और सामने खड़े उस इंसान को याद करने की कोशिश करने लगा। तभी उस शख्स सिन्हा अंकल, आप, आई एम सॉरी, आपको बहुत साल पहले देखा था तो मैं, ये सुनकर मिस्टर सिन्हा करते हुए कहा, सही कहा आपने, तब मैं सिर्फ 8 साल का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए। यह कहते हुए उसकी आंखों में मायूसी नजर आ रही थी। तभी मिस्टर सिन्हा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? यह सुनकर अभय ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी
मिस्टर सिन्हा बोले, थोड़ी देर पहले तुम इतने बेसुध होकर चल रहे थे कि एक ट्रक तुम्हें आकर टक्कर मारने वाला था और तुम्हें इस बात का कोई होश भी नहीं था। क्या कोई बात है ऐसी जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो मैं तुम्हारे पिता समान ही हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे इस बारे में बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। यह सुनकर अभय ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, यह सही जगह नहीं है बात करने की, हमें किसी और जगह पर जाकर बात करनी चाहिए। यह सुनकर मिस्टर सिन्हा भी मुस्कुरा दिए। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा जब अपने घर पर पहुंची तो उसने लिविंग रूम में अपने बड़े भाई विराट को बैठे हुए देखा। शिप्रा का दिमाग आज बहुत खराब था, इसलिए उसने बिना उससे कुछ कहे अपने कमरे में जाना ही सही समझा। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई कि तभी उसके भाई विराट ने उसे देखकर आवाज लगाते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? शिप्रा उसकी आवाज सुनकर रुक गई, लेकिन उसने बिना विराट की तरफ मुड़े कहा, तुमसे मतलब? उसकी बात सुनकर विराट ने थोड़ा अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, मुझसे मतलब नहीं होगा तो और किससे होगा? वैसे तुम जहाँ भी जा रही हो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस घर से निकलने की अब तैयारी कर लो। यह सुनते ही शिप्रा उसकी तरफ पलटी और उसे जलती हुई आंखों से देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुनकर विराट भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और शिप्रा की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं क्या कहना चाहता हूँ यह तो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। चलो अगर तुम भूल गई हो तो मैं याद दिला देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे उस रठल्ले पति ने वादा किया था कि वह 3 साल से जो रोटियां मुफ्त में इस घर में तोड़ रहा है उसका हर्जाना देगा, और अगर 3 महीने के अंदर अंदर वह इस हर्जाने को नहीं भर पाया तो तुम्हें और उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। याद आया कुछ? हाँ, तो इसके मुताबिक 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। अब तुम ही बताओ कि तुम खुद अपना बैग पैक कर रही हो या मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद करूं? ये कहते हुए विराट एक जंग जीतने वाली मुस्कान मुस्कुराया। विराट को ऐसे मुस्कुराते देखकर शिप्रा चीखते हुए बोली, तुम खुद ही कौन हो मुझसे ये कहने वाले? अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जितना यह घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। यह सुनकर विराट मुस्कुराया और शिप्रा की तरफ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो बहन, अब तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ कि ये घर मेरे नाम पर है और मैं इस घर का असली मालिक हूँ। जल्द ही शादी करने वाला हूँ और तुम तो जानती ही हो अपनी भाभी को, वो कितने बड़े और रईस परिवार की बेटी है, और इस समय हमारे घर और बिजनेस की हालत देखकर मैं उसे कैसे भी नाराज नहीं कर सकता। और इसलिए अगर मेरी होने वाली बीवी नहीं चाहती कि शादी के बाद वो किसी भी फैमिली ड्रामे में फंसे तो मुझे उसकी ये इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और सही बताऊं तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी बहन और मेरी बीवी की आगे चलकर ना बने। बस इसीलिए अच्छा होगा कि अभी से ही तुम अपने लिए घर देख लो। उसकी बात सुनकर शिप्रा गुस्से से उस पर चीखते हुए बोली, विराट तुम अपनी हद भूल रहे हो। तभी विराट ने थोड़ा सीरियस होकर उसी की तरह गुस्से में चीखते हुए बोला, देख शिपी, बहुत हो गया मजाक, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मेरी बात कान खोल कर सुन। अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुमने और तुम्हारे निठल्ले पति ने यह घर खाली नहीं किया तो मुझे तुम दोनों को धक्के मार कर इस घर से निकालने में कोई शर्म नहीं आएगी। ये कहकर विराट गुस्से से वहाँ से चला गया। शिप्रा विराट की बातों से अंदर ही अंदर डर गई थी। वह जानती थी कि विराट जो कह रहा है वह उसे करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, और इस सब में उसके माँ बाप भी सिर्फ विराट का ही साथ देंगे। ये सब सोचते हुए वह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सिन्हा अभय को अपने घर पर ले गए थे। अपने हाथ में 2 कॉफी के मग लाते हुए मिस्टर सिन्हा ने अभय की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इसमें? तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिससे तुम एक नई रियल स्टेट कंपनी खड़ी कर सकते हो, तो फिर तुम इन सब में क्यों फंसे हुए रहना चाहते हो? यह सुनकर अभय ने उनके हाथ से कॉफी लेकर उन्हें थैंक यू कहा और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं जानता हूँ
लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। यह सुनकर मिस्टर सिन्हा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है इस बात का? अभय मिस्टर सिन्हा का सवाल सुनकर उन्हें समझाते हुए बोला, अंकल मेरी बीवी शुभ्रा उस कंपनी में पिछले 3 सालों से काम कर रही है और मुझे भी लगभग 3 महीने हो गए वहां पर काम करते हुए। उस कंपनी में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं उन सभी की बातों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। मैं उन्हें उनकी असली औकात दिखाना चाहता हूँ और ये तब नहीं होगा जब मैं एक नई रियल एस्टेट कंपनी खड़ी कर दूंगा, ये तब होगा जब मैं उनके बीच ही रहकर उनसे उन्हीं के जैसा व्यवहार करूंगा। इसीलिए मैं अपनी असलियत अभी किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अभी लोग मेरे बारे में कुछ भी जाने। यह सब सुनकर मिस्टर सिन्हा ने सवाल करते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, बाकी दुनिया के लिए ठीक है, अगर तुम अपनी असलियत छुपाना चाहते हो तो यह तुम्हारे और तुम्हारे पिता के दुश्मनों के लिए भी अच्छा है। यह सुनकर अभय ने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो मिस्टर सिन्हा भी उसकी आंखों में सवाल देखकर जवाब देते हुए बोले, कुछ ऐसे राज हैं तुम्हारे परिवार के जो तुम्हें समय आने पर पता चल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो कि यह अच्छा होगा अगर तुम्हारे बारे में ज्यादा लोगों को पता ना हो तो। यह सब सुनकर अभय कुछ सोचने लगा, तभी मिस्टर सिन्हा दोबारा बोले, वैसे और किसी को ना सही, इस बारे में तुम अपनी बीवी को तो सब कुछ जरूर बताना चाहते होगे। यह सुनकर अभय अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक गहरी सांस लेते हुए शून्य में देखते हुए बोला, नहीं, मैं उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता। यह सुनकर मिस्टर सिन्हा थोड़े से हैरान जरूर हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मिस्टर सिन्हा की यह बात सुनकर अभय की आंखें चमकने लगी। वो मिस्टर सिन्हा की बात का जवाब देते हुए बोला, अब मैं बताऊंगा उस राजेश और आरुष ओबेरॉय को कि किसी की बेबसी का फायदा उठाना किसे कहते हैं। ये कहते हुए अभय की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या करेगी अब शिप्रा? क्या सच में एक हफ्ते के बाद वो उस घर से बेघर हो जाएगी, या फिर अभय कोई नई तरकीब निकाल कर उन दोनों को बेघर होने से बचा लेगा? कौन से राज छिपा रहे हैं मिस्टर सिन्हा? क्या करना चाहता है अभय? क्या सोचा है उसने मैनेजर राजेश और आरुष के लिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। अभय मिस्टर सिन्हा से अपनी बातें खत्म करने के बाद उनके घर से निकल गया, लेकिन वो शिप्रा के घर नहीं गया। उसके घर जाने के बजाय उसने रास्ते से एक टैक्सी ली और ड्राइवर को एक एड्रेस बताते हुए बोला, कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी चलो। कुछ ही देर में वो टैक्सी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। शाम ढल चुकी थी, इसलिए वह बिल्डिंग लाइटों से ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान में अनगिनत तारे चमचमाते हैं। चारों तरफ शांति थी, लेकिन बिल्डिंग को देखकर पता लग रहा था कि उसमें अभी भी लोग काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग इंडिया की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी। दुनिया भर में कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी का नाम था। कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी के मालिक मिस्टर कपाड़िया एक बहुत ही व्यस्त इंसान थे। अभय ने एक नजर उस चमचमाती हुई बिल्डिंग पर डाली और खुद से ही बोला, कपाड़िया, मिस्टर कपाड़िया, कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी, मैं आ रहा हूँ। कहते हुए वो मुस्कुराया और उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। अभय पहले भी ओबेरॉय रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से यहाँ पर कई बार आ चुका था, इसलिए वहाँ के गार्ड्स ने उसे नहीं रोका। अभय जैसे ही बिल्डिंग की रिसेप्शन में पहुंचा, वहाँ पर खड़ी लड़की ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह किसी फालतू पड़ी चीज को देख रही हो, और फिर उसे इग्नोर कर वापस से अपने फोन में लग गई। उस लड़की का ऐसा बर्ताव देख कर अभय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो शांत रहा। उसने उस बात को इग्नोर करते हुए वहां रखे रिसेप्शन टेबल पर हाथ से टक टक की आवाज करते हुए कहा, मुझे मिस्टर कपाड़िया से मिलना है। यह सुनते ही वह लड़की अपने फोन से नजरें हटाकर अभय को ऐसे देखने लगी जैसे अभय ने कोई मजाक किया हो। उस लड़की ने अपना फोन साइड में रखा और एक गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी, तुम जैसे लोग उनसे नहीं मिल सकते। दूसरी तरफ शिप्रा के घर पर शिप्रा पूरी रात अभय का इंतजार कर रही थी,
लेकिन अभय का आज दूर दूर तक कोई भी अता पता नहीं था। शिप्रा सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, आखिर ये अभय गया तो गया कहाँ? मैंने उसका फोन लगाने की भी कई बार कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पहले ही कम टेंशन है क्या जिंदगी में? जब ये भी शिप्रा को कहीं ना कहीं यह डर भी था कि कहीं आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उस वजह से तो आज अभय कहीं चला नहीं गया है। लेकिन इस ख्याल के दिमाग में आते ही वह इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक देती है। शिप्रा ये सोचकर भी परेशान हुए जा रही थी कि अगर वह विराट के दिए इस चैलेंज को एक हफ्ते में पूरा नहीं कर पाई तो उसके सर से छत छीन ली जाएगी। इसी उधेड़ बुन में शिप्रा को पूरी रात नींद भी नहीं आई थी। वह पूरी रात बस इन्हीं सब बातों और अपने पिछले कुछ सालों की अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। क्या क्या सपने देखे थे उसने और अभय ने अपनी आगे की जिंदगी को लेकर, और कहां उन दोनों की जिंदगी कहीं पीछे ही छूट चुकी थी। उन दोनों के सपने हमेशा के लिए सपने ही बनकर रह गए थे। शिप्रा की आंखों में इन सभी बातों को सोचते हुए आंसू आने लगे। वो अपने कमरे के बेड पर लेटी हुई इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए कब सो गई उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अगली सुबह देर से सोने की वजह से शिप्रा की आंख आज रोज के समय से नहीं खुली थी। सूरज की किरण जब खिड़की से छन कर उसके चेहरे पर पड़ी तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए साइड में पड़ा अपना फोन ढूंढा और टाइम देखा। वो एकदम से शॉक हो गई। फोन में 7 बज रहे थे। वह जल्दी से बेड से उठी और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, ओ नो, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई? आज तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। वैसे भी आज ऑफिस में एक नया बखेड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। यह कहते हुए उसने अपने बेड के साइड में बिछे गद्दे की तरफ देखा जहाँ पर रोज अभय सोया हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी नहीं था। यह देखकर वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, और ये अभय कहाँ है आज? इसका कोई आता पता ही नहीं है कल से। उसको मन ही मन कोसते हुए वह जल्दी से उठी और तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ भागी। कुछ देर बाद वह कमरे से तैयार होकर बाहर आई। वो जैसे ही बाहर आई उसने देखा डाइनिंग टेबल पर उसका भाई विराट बैठा हुआ था। उसे देखकर शिप्रा को रात में हुई सारी बातें याद आने लगी। सब याद आते ही वह मन ही मन विराट को घूरते हुए उसे कोसे जा रही थी, लेकिन विराट पर उसके घूरने का कोई असर नहीं हुआ। शिप्रा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चुपचाप आकर विराट के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और अपने लिए ब्रेड पर बटर लगाने लगी। उसने जैसे ही ब्रेड पर बटर लगाकर अपने लिए ग्लास में जूस डाला कि तभी विराट की आवाज उसके कानों में आई, तो बहना क्या सोचा है तुमने? उम्मीद है कि तुमने जरूर कुछ न कुछ सोच लिया होगा। मक्कारी से मुस्कुराते हुए विराट ने कहा, देखो शिपी, मुझे इतना बुरा भी मत समझो, मैं बुरा नहीं हूँ। लेकिन वो क्या है ना कि इस दुनिया में अगर इंसान अपने आप से ज्यादा किसी और के लिए सोचने लगे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब तुम ही कहो, मैं करूँ तो करूँ क्या? ये कहते हुए विराट शिप्रा को देख रहा था, लेकिन शिप्रा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। ये देखकर विराट बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, तुम जानती हो कि हमारा फैमिली बिजनेस इस समय कितने घाटे में चल रहा है, और इसे वापस खड़ा करने में केवल अनामिका ही हमारी मदद कर सकती है। अब अगर हमें उसकी मदद चाहिए तो उसे तो हमें खुश करना ही पड़ेगा ना। बस इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सोचो हमारे बारे में। मुझे तुम्हें घर से जाने के लिए बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर शिप्रा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में लिया ब्रेड वापस से प्लेट में रखा और जूस के गिलास से सिप लेते हुए विराट को देखने लगा। विराट नॉन स्टॉप अपनी बकवास किए जा रहा था। शिप्रा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उठकर वहां से जाने लगी। तभी विराट ने अपनी टोन को बदलते हुए थोड़े गुस्से में कहा, मेरी बात को मजाक में लेने की गलती मत करना, वरना तुम जानती हो कि मैं जो कह रहा हूँ उसे करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर शिप्रा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या किस बारे में बात हो रही है शिपी? यह आवाज सुनकर शिप्रा ने जैसे ही पीछे देखा वहां पर अभय खड़ा था। न जाने क्यों आज अभय शिप्रा को रोज की तरह नहीं लग रहा था।
आज उसके चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। अभय को वहां देखकर विराट के होठों पर एक हंसी आ गई, जैसे वो अभय का मजाक उड़ा रहा हो। विराट अभय की तरफ जाते हुए बोले, अरे जीजा जी, कैसे हैं आप? जरा बताने का कष्ट करोगे, पूरी रात कहाँ थे आप? यह सुनकर भी अभय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभय जानता था कि विराट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो उससे बहस करना जरूरी नहीं समझता और बिना कुछ कहे शिप्रा की तरफ बढ़ा। तभी विराट उसे ताना मारते हुए बोला, हाँ हाँ भाई, हमारी बातों का जवाब क्यों दोगे तुम? ये कोई घर थोड़ी है, होटल है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। अभय विराट की फितरत से वाकिफ था कि वह एक नंबर का बेशर्म आदमी है। जो इंसान अपनी बहन को खरी खोटी सुना सकता है, उसके लिए अभय से कुछ भी कहना कौन सी बड़ी बात है। यह सब सोचते हुए ही अभय ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह शिप्रा की तरफ बढ़ते हुए बोला, शिपी क्या हुआ, क्या सब ठीक है? शिप्रा ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी विराट ने पीछे से आकर अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे क्या हुआ है, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। अपने कंधे से विराट का हाथ हटाते हुए अभय ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। विराट ने उसका मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, वो क्या है ना, मैं बस शिप्रा को याद दिला रहा था कि तुम्हारे 3 महीने जो तुमने कहा था कि तुम अपने लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लोगे, या फिर जो भी फालतू की बातें तुमने की थी, वो समय पूरा होने वाला है। आज का दिन अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ 6 दिन है तुम्हारे पास। बस यही बात मैं शिप्रा को याद दिला रहा था। अब उसे मेरी बात बुरी लगी तो मैं क्या करूं? मैंने तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं तो तुम्हारे शब्दों को सिर्फ उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। यह सब सुनकर अभय ने विराट की तरफ देखा और फिर शिप्रा की तरफ। शिप्रा ने अपनी नजरों को जमीन पर किया हुआ था। शिप्रा को ऐसे बेबस खड़ा देखकर अभय को दिल ही दिल में बहुत दर्द हुआ। उसने विराट की तरफ देखा और गुस्से से बोला, 6 दिन है अभी, इसलिए अपनी हद मत भूलो। विराट ने जब अभय का एटीट्यूड देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अभय की कॉलर पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता हम पर ही भौंक रहा है। विराट को खुद का कॉलर पकड़ते हुए देख अभय बहुत शांति से एक टेढ़ी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, तुम्हारे दिए हुए अभी 6 दिन बाकी हैं, तब तक अगर तुम अपने हाथों और बातों दोनों को कंट्रोल में रखो तो अच्छा होगा, वरना। यह कहते हुए उसने अपनी जलती हुई निगाहों से विराट को देखा। एक पल के लिए विराट भी उसकी निगाहों में गुस्सा देखकर डर गया। तभी शिप्रा ने गुस्से से विराट से अभय का कॉलर छुड़ाया और अभय का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए शिप्रा ने अभय पर चिल्लाना शुरू कर दिया, कहां थे तुम पूरी रात, और यह सब क्या है जो तुम 3 महीनों से नहीं कर पाए? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम 6 दिनों में कर दोगे? तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारे पास कोई प्लान भी है, या फिर तुम यूं ही हवा में बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि विराट से पंगा लेकर हमारे सर पर जो छत है ये भी नहीं रहेगी। बताओ फिर तुम क्या करोगे? खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं और मेरे किसी काम को बिगाड़ने में भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जॉब और मेरा घर दोनों ही मेरे हाथों से जाते हुए दिख रहे हैं। शिप्रा की ये सब बातें सुनकर अभय को जवाब देता कि उससे पहले ही उसकी पॉकेट में रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। शिप्रा की बातों को इग्नोर कर उसने जल्दी से फोन उठाया और बात करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। अभय जवाब देते हुए बोला, हाँ 9 बजे ओबेरॉय रियल एस्टेट कंपनी में। ठीक है। यह सुनकर दूसरी तरफ वाले इंसान ने कुछ कहा और तभी अभय ने फोन रख दिया। फोन हाथ में लेकर वो खुद से ही बोला, अब मैं बताऊंगा उस ओबेरॉय कि जिन लोगों को वो कमजोर समझता है, अगर वह अपनी कमजोरी भूल जाए तो उस जैसे कितनों को बर्बाद कर सकते हैं। पास ही खड़ी हुई शिप्रा ने जब अभय की इन बातों को सुना तो वो कंफ्यूज हो गई। उसने आज तक कभी भी अभय की आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं देखा था जो उसे आज दिखाई दे रहा था। लेकिन वह अभी मन ही मन
इस बात से परेशान थी कि अब वह अपने घर और अपनी जॉब को कैसे बचाएगी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है अभय के दिमाग में? क्या वो विराट की समय सीमा से पहले अपना वादा निभा पाएगा, या दोनों घर से बेघर हो जाएंगे? क्या अभय मैनेजर राजेश और आरुष ओबेरॉय को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा, या शिप्रा का डर सच हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। अभय ने जैसे ही फोन रखा, शिप्रा ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, इस सब का क्या मतलब है, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? उसे गुस्से से खुद पर चिल्लाते हुए देखकर अभय उसके थोड़ा करीब आया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शिल्पी प्लीज ट्रस्ट मी, बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब ठीक कर दूंगा, बस एक बार मेरा भरोसा करो। यह सुनकर शिप्रा ने उसके हाथ अपने हाथों से झटक कर हटा दिए और थोड़ा गुस्से में बोली, देखो अभय, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरे सर से छत और मेरे हाथों से नौकरी दोनों ही जाने की कगार पर है। तुम्हें क्या लगता है, जो दो टाइम का खाना हम खा रहे हैं, अगर वह भी हमारे हाथ से छिन जाएगा तो क्या हम जिंदा रहेंगे? जरा बताओ, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? बताओ, क्या करूंगी मैं तुम्हारे भरोसे का? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? यह कहते हुए उसकी नजर जैसे ही घड़ी पर गई, उसने देखा कि घड़ी में 9 बजने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। उसने एक गहरी सांस ली और अभय की तरफ देखते हुए कहा, भरोसे की बात अब हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैनेजर राजेश के तुम्हें टाइम दिए अनुसार केवल 20 मिनट है हमारे पास ऑफिस पहुंचने के लिए। यह कहते हुए शिप्रा ने बेड पर पड़ा अपना बैग उठाया और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए। अभय वहीं खड़ा रह गया। अभय आज शिप्रा का भरोसा चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं शिप्रा के शब्दों ने उसे ठेस पहुंचाई थी। वह समझ चुका था कि शिप्रा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और घड़ी में कांटों को घूरते हुए बोला, आज के बाद ये समय मेरे अनुसार चलेगा, अब समय बदलेगा, मैं बदलूंगा इस समय को। वहीं ओबेरॉय रियल स्टेट कंपनी में आज रोज के मुकाबले काफी चहल पहल थी। मैनेजर राजेश, जो आज समय से काफी पहले आ चुका था, वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आखिर 3 महीने से वो जिस ताक में था, वो दिन आज आ चुका था। वो जानता था कि शिप्रा बहुत स्वाभिमानी लड़की है, वह ये जॉब छोड़ देगी लेकिन खुद को किसी को नहीं सौंपेगी। लेकिन फिर भी आज उसकी हार देखने के लिए राजेश से इंतजार ही नहीं हो रहा था। वह अपने कैबिन में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बार बार किसी न किसी से यह पूछ रहा था कि क्या शिप्रा और अभय आज ऑफिस आए कि नहीं, लेकिन हमेशा की तरह से इस बार भी उसे जवाब ना में ही मिला। घड़ी की सुइयां 9 पर पहुंचने में केवल 5 मिनट थे। अब राजेश से इंतजार नहीं हो रहा था। उसकी इतनी बेचैनी देखकर ऑफिस के स्टाफ में भी बातें चल रही थी। लोग आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, क्या बात है, क्या हुआ है मैनेजर राजेश को? किसी ने जवाब देते हुए कहा, अरे तुम नहीं जानते, जो जाल मैनेजर राजेश ने शिप्रा मैडम और अभय के लिए बिछाया था, वह दोनों ही उसमें फंस चुके हैं। अब देखना यह है कि आज अभय करता क्या है। यह सुनकर एक और आदमी ने कहा, इसमें देखना क्या है, तुम नहीं जानते उस अभय को, वह एक नंबर का निठल्ला आदमी है, जिस इंसान ने पिछले 3 महीने में कुछ नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है एक रात में उसने क्या कर लिया होगा? और सुना नहीं राजेश ने क्या कहा है? मैनेजर राजेश ने कहा है कि उसे एक रात के अंदर 100 फ्लैट बेचने हैं। यह कोई मजाक है क्या? आज तक इस कंपनी में जिसने आखिरी सबसे बड़ा स्कोर रिसीव किया है, वह भी सिर्फ 75 फ्लैट का है। तो लगा लो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभय कर पाएगा? तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, सही कहा यार तुमने, मतलब ही पैदा नहीं होता इस बात का तो। यह कहते हुए ऑफिस स्टाफ बातें बनाते हुए हंसे जा रहे थे। तभी किसी ने कहा, लेकिन क्या फायदा, उसकी बीवी है ना उसे बचाने के लिए। तभी दूसरे शख्स ने कहा, अरे यार यही तो मजे की बात है इस बार, उन दोनों को मैनेजर राजेश ने कुछ ऐसा फंसाया है इस बार, वो दोनों चाहकर भी इस जाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर दूसरे आदमी ने पूछा, क्या मतलब है इस बात का? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा,
बस देखते जाओ, अगर वो फ्लैट नहीं बेच पाया तो उसके साथ साथ आज उसकी बीवी का भी बोरिया बिस्तर बांधना तय है। इसी की ताक में तो राजेश काफी समय से था, और अब जब उसे यह मौका मिल रहा है तो तुम्हें क्या लगता है कि वह इसे ऐसे ही जाने देगा? ऑफिस में खुसुर फुसुर चल रही थी कि किसी की आवाज आई। अरे देखो, शिप्रा मैडम आ गई। जब इस आवाज को सुनकर सभी ने उस तरफ देखा तो शिप्रा अपने माथे पर शिकन लिए ऑफिस के अंदर आ रही थी। उसने जैसे ही चारों तरफ से लोगों को उसे घूरते हुए देखा, वह समझ गई कि सभी आज होने वाले तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैनेजर राजेश तक भी शिप्रा के आने की बात पहुंचते देर नहीं लगी। वह जल्दी से अपने कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ गया और शिप्रा को दरवाजे से आते देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या मैडम शिप्रा, कहाँ है आपके पति दे? उन्होंने फ्लैट बेचने का इंतजाम तो कर ही लिया होगा। यह सुनकर शिप्रा ने मैनेजर राजेश की तरफ देखा कि तभी पीछे से अभय के कदमों की आवाज आई। उसे देखकर एक बार फिर से लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग इस तमाशे का इंतजार और नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों के अंदर आते ही मैनेजर राजेश ने अभय पर भी ताना कसते हुए कहा, आइए आइए, क्या बात है, आज तो आप समय पर आ गए, लगता है सुधर गए हैं। लेकिन क्या फायदा, अब जब नौकरी हाथों से जाने वाली है। चलो छोड़ो, ये बताओ कि क्या सोचा है तुमने? अब क्या तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलने की सोच रहे हो, या फिर हमारी शर्त के मुताबिक तुम दूसरा ऑप्शन? जैसे ही मैनेजर राजेश ने यह कहा, उसकी नजरें अभय की जलती हुई निगाहों पर गई। अभय गुस्से से उसे घूर कर देखे जा रहा था, जैसे वो आंखों से ही उसे धमकी दे रहा हो कि खबरदार, अगर तुमने इस बार मेरी बीवी का नाम भी लिया। उसकी नजरों को देखकर ही मैनेजर राजेश की बोलती अचानक से बंद हो गई। तभी दरवाजे से आरुष हमेशा की तरह सूट बूट में अंदर आया। उसे देखते ही अभय की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। आरुष ने जब सभी को ऐसे भीड़ जमा करके खड़ा हुआ देखा तो मैनेजर राजेश की तरफ देखते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है, यहाँ कोई सब्जी मंडी लगा रखी है क्या? क्या किसी को समझ नहीं आता यह रियल स्टेट कंपनी का ऑफिस है जहाँ पर तुम लोगों ने ऐसे भीड़ जमा कर रखी है? कुछ काम नहीं है क्या कंपनी में आज? उसे गुस्से में देखकर मैनेजर राजेश उसके पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही जैसे आरुष को कुछ याद आया, और तभी शिप्रा को देख शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। ये देखकर अभय ने अपनी मुट्ठियों को कुछ इस तरह से दबाया कि उसके नाखून उसकी हथेली में घुस रहे थे। इस समय वो गुस्से से इतना भर चुका था कि उसे अगर एक मौका मिलता तो वह सामने खड़े आरुष ओबेरॉय की जान ले लेता। लेकिन उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। तभी शिप्रा की मीठी सी आवाज सभी के कानों में गूंजी। शिप्रा ने धीरे से आरुष ओबेरॉय के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। सर प्लीज आप हम दोनों को एक मौका और दे दीजिए, एक रात में 100 फ्लैट बेचना, अब खुद ही सोचिए क्या यह मुमकिन है? एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस्ड आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए मैनेजर राजेश ने कहा, नहीं नहीं शिप्रा जी, यह बात तो आपको यह चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं, अब इस बात के कहने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अगर आपने ऐसा कुछ भी कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा, उसने मजाकिया लहजे में कहा और थोड़ा सा हंस दिया। उसे मक्कारी से ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर शिप्रा गुस्से से उसे घूरने लगी। वो समझ रही थी कि मैनेजर राजेश आज अपने हाथों से ये मौका बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने शिप्रा को उसकी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और अभय की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो अभय क्या सोचा है आपने, बताएंगे कहाँ है आपका क्लाइंट? बोलिए कहाँ है, या आप अपना बोरिया बिस्तर समेटने आए हैं? यह सुनकर अभय ने अपना मुंह कुछ कहने के लिए खोला ही था कि तभी मैनेजर राजेश ने कहा, रहने दीजिए, आपकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि आप अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाए हैं। अरे यह बात तो हम सबको कल ही पता थी, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है जब तुम यह चैलेंज पूरा करने की सोच भी सकते हो? ऐसे सपने देखना भी तुम जैसे लोगों के लिए गुनाह है, और तुम्हें लगा कि तुम ये चैलेंज पूरा कर पाओगे? हमने तुम्हें इतने दिनों तक इस कंपनी में सिर्फ इसलिए झेला क्योंकि तुम शिप्रा मैडम के हस्बैंड हो, लेकिन आज तो तुम्हारी वजह से उनकी भी नौकरी खतरे में है।
तो क्या सोच रहे हो अब तुम? तुम्हारा बोरिया बिस्तर मैं कंपनी से बाहर फेंकूं या तुम खुद से जा रहे हो? मैनेजर राजेश अभय को एक भी बात कहने का मौका दिए लगातार बोले ही जा रहा था। तभी अभय ने फिर से एक बार अपनी बात कहने के लिए अपना मुंह खोला और बोला, ऐसी बात नहीं है। यह सुनकर मैनेजर राजेश फिर से उसकी बात काटते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात नहीं है, तो फिर कहाँ है तुम्हारा क्लाइंट? बताओ कहाँ है, कौन खरीदेगा तुमसे फ्लैट? इस समय तुम हमारा उल्लू बनाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना तुम जानते ही हो कि तुम खुद को कितना भी स्मार्ट क्यों ना समझ लो, लेकिन तुम जैसा इंसान कभी भी स्मार्ट नहीं बन सकता। तुम बेवकूफ थे और हमेशा ही बेवकूफ रहोगे। और अगर मेरी बात गलत है तो बताओ कहाँ है वह शख्स जो 100 फ्लैट्स खरीदेगा? कहाँ है तुम्हारा क्लाइंट? बोलो कहाँ है तुम्हारा पहला क्लाइंट? मैनेजर राजेश ने जैसे ही यह बात पूरी की तभी लोगों में खुसर फुसर की आवाज आने लगी। उन लोगों को ऐसे बात करते देखकर मैनेजर राजेश ने गुस्से से घूर कर सबको देखा और फिर अभय को देखते हुए कहा, मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा क्लाइंट? तभी पीछे से एक आवाज आई, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया यार। यह सुनकर जैसे ही लोगों ने पीछे मुड़कर देखा वह सभी हैरान रह गए। पीछे कपाड़िया रियल स्टेट इंडिया की जानी मानी कंपनी के सीईओ खुद उनकी छोटी सी कंपनी के दरवाजे पर खड़े थे और बहुत ही फ्रेंडली होकर वो सॉरी कह रहे थे। वो चलकर अंदर आते हुए बोले, सॉरी यार मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, दिल्ली का ट्रैफिक तुम तो जानते ही। वैसे मैंने बताया था ना कि मुझे कम से कम 100 फ्लैट खरीदने, क्या हुआ तुमने कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराया या नहीं? ये कहते हुए उन्होंने अभय के कंधे पर हाथ रखा। यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं आरुष ओबेरॉय और मैनेजर राजेश का चेहरा तो अचानक से पीला पड़ गया था, क्योंकि उनकी नजरों के सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे रियल स्टेट के बिजनेस में भगवान माना जाता था। दोस्तों क्या लगता है आपको, कैसे इतने बड़े आदमी को अभय कैसे जानता है? और क्या सच में जो मिस्टर कपाड़िया ने अभी कहा वह उसे करेंगे? क्या अभय और शिप्रा इस सब से बाहर निकल पाएंगे? नेवी ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहने करीब अभय की ही उम्र का एक आदमी अभय के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक जानी मानी हस्ती है। उसे देख आरुष के मुंह से अचानक निकला, मिस्टर कपाड़िया आप यहाँ? मिस्टर निखिल कपाड़िया, कपाड़िया एम्पायर के नए यंग सीईओ। निखिल ने उसकी आवाज सुनकर एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर से उसे इग्नोर करते हुए अभय से बोले, अभय ये सब कौन है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि क्या सोचा है तुमने? थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे बताओ यार फ्लैट बेचोगे या नहीं? उसे इतना फ्रेंडली होकर अभय से बात करते देखकर आरुष और राजेश दोनों हैरान थे। वह अपनी हैरानी छुपाए नहीं छुपा पा रहे थे। तभी अभय ने मुस्कुराकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला आप कुछ कहें और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? आरुष सर ने तो कब का आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोल भी दिया है। आप चलिए ऑफिस में बैठते हैं, पहली बार आप हमारे ऑफिस आए हैं इसलिए हमारी मेहमान नवाजी को स्वीकार कीजिए प्लीज। ये कहते हुए अभय मिस्टर कपाड़िया को आरुष के कैबिन की तरफ ले गए और आरुष और राजेश हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए थे। आरुष हैरान था मिस्टर कपाड़िया को अपने सामने देखकर, या यूं कहें कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर कपाड़िया उसके ही ऑफिस में उसकी आंखों के सामने खड़े हैं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अभय जल्दी से मिस्टर कपाड़िया को आरुष के कैबिन में छोड़कर वापस आया और जल्दी से आरुष के सामने खड़ा होते हुए बोला, सर जल्दी कीजिए, मिस्टर कपाड़िया को कम से कम 100 फ्लैट चाहिए, अगर आप कहें तो हम यह डील साइन कर देते हैं। ये सुनकर आरुष एक्साइटेड होकर बोला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। तभी अभय ने मजाकिया लहजे में राजेश की तरफ देखकर कहा, और सर मेरा कमीशन? उसकी बात सुनकर आरुष ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए खुश होकर कहा, डोंट वरी मुझे याद है तुम्हारा कमीशन, फिक्र मत करो, अगर ये डील साइन हुई तो तुम्हें तुम्हारा कमीशन जरूर मिल जाए। यह सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। कुछ देर पहले तक जो लोग अभय पर हंस रहे थे अब उन सब की बोलती अभय ने बंद कर दी थी। सभी हैरानी से एक दूसरे को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि 100 फ्लैट का कमीशन कितना होगा, कुछ तो कमीशन सोचकर ही हैरान थे। वहीं राजेश जिसकी पूरी की पूरी प्लानिंग थरी की थरी रह गई थी, वह तो अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं आया था।
आरुष को लेकर अभय उसके कैबिन की तरफ चला गया। वहीं खड़ी शिप्रा हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वह इस समय सिर्फ अभय से कुछ सवाल करना चाहती थी, जिनमें सबसे जरूरी सवाल तो यह था कि आखिर अभय इतने बड़े आदमी को कैसे जानता है। यह सब सोचते हुए शिप्रा वहीं पर खड़ी थी। दूसरी तरफ अभय आरुष को उसके कैबिन में लेकर आया और मिस्टर कपाड़िया से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मिस्टर कपाड़िया, आपको इतना इंतजार कराया, लीजिए आपके लिए आपकी मनपसंद कॉफी। कॉफी देखकर मिस्टर कपाड़िया मुस्कुराए और अभय के हाथ से कॉफी लेते हुए बोले, ओह तो तुम्हें आज भी याद है मेरी पसंदीदा कॉफी। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे मिस्टर कपाड़िया क्यों कह रहे हो? तुम मेरा नाम ले सकते हो जैसे हमेशा से लेते हो। यह सुनकर जहां आरुष हैरान था, वहीं अभय मजाकिया लहजे में बोला, अरे सर आपका नाम और मैं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। ऐसे कहते हुए अभय हंसने लगा तो निखिल भी हंस दिया। आरुष की बोलती तो कब की बंद हो चुकी थी, वो बस एक फीकी से मुस्कान मुस्कुरा रहा था। थोड़ी और बातों के बाद मिस्टर कपाड़िया ने आरुष की तरफ देखकर कहा, तो डील पक्की करें हम? फिर आरुष की तरफ देखकर, आपके पेपर कहाँ हैं जो आपने तैयार कराए थे? ये सुनकर आरुष ने अभय की तरफ देखा तो अभय ने मुस्कुरा कर कहा, हमने पेपर तैयार करा दिए हैं, बस आते ही होंगे। ये कहते हुए अभय ने अपनी आंखों से ही आरुष को शांत रहने का इशारा किया। तभी दरवाजा खटखटाते हुए मैनेजर राजेश अंदर आए। उनके हाथों में वही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स थे जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर कपाड़िया कर रहे थे। मिस्टर कपाड़िया को वहां पर देखकर मैनेजर राजेश ने अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें वेलकम किया। राजेश समझ तो नहीं पाया था कि आखिर मिस्टर कपाड़िया और अभय एक दूसरे को कैसे जानते थे, लेकिन उसे इतना यकीन जरूर था कि हो न हो अभय ने मिस्टर कपाड़िया को जैसे तैसे अपनी बातों से फुसला लिया था, क्योंकि मिस्टर कपाड़िया और जैसे दो टके के साथ दोस्ती रखे ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर कपाड़िया इतनी आसानी से किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते। मिस्टर कपाड़िया ने मैनेजर राजेश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और अपनी जेब से पेन निकालकर साइन करने ही वाले थे कि तभी उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपनी गर्दन उठाकर सामने बैठे आरुष ओबेरॉय की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय, वैसे तो आप जानते ही हैं कि जितना बड़ा मेरी कंपनी का टर्नओवर है उसके हिसाब से मेरे लिए ये सॉफ्ट फ्लैट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी हम दोनों को अगर एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिजनेस में जुड़ना पड़े तो कितना अच्छा रहेगा ना। यह सुनकर आरुष खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसने अपनी खुशी कंट्रोल करते हुए कहा, अरे हाँ जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं कितना आभारी हूँ आपका कि आपने ये बात सोची। आप जैसी बड़ी हस्ती के साथ आखिर कौन बेवकूफ होगा जो काम नहीं करना चाहता होगा। यह सुनकर मिस्टर कपाड़िया ने अपना पेन साइड में टेबल पर रखते हुए कहा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मेरी एक शर्त है। यह सुनकर आरुष ने बिना सोचे समझे कहा, जो भी शर्त हो सब मंजूर है सर, आप बस बताइए। वही खड़े राजेश को मिस्टर कपाड़िया का स्वभाव अपनी तरफ थोड़ा रूखा लग रहा था। उसे मिस्टर कपाड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे नाराज है। उन दोनों को बात करते देख मैनेजर राजेश बोला, अरे हाँ सर आप जो कहेंगे वह शर्त हम जरूर मानेंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलिए बस। यह सुनकर मिस्टर कपाड़िया ने एक नजर मैनेजर राजेश की तरफ देखा और फिर आरुष की तरफ देखकर बोले, मुझे अपनी कंपनी में अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोग पसंद हैं, लेकिन आज आपकी कंपनी में आते ही मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभय और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, अभय कभी भी किसी की बेइज्जती करना पसंद नहीं करता और ना ही बिना किसी बात के वो किसी से कुछ कहता है, लेकिन आपके मैनेजर ने जिस तरह से आज उससे बात की ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए मुझे ये जानना है कि आखिर आपके मैनेजर किसी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। ये कहते हुए मिस्टर कपाड़िया ने मैनेजर राजेश को नाराजगी से देखा। मैनेजर राजेश को अपने ऊपर मंडराता हुआ खतरा साफ नजर आ रहा था। तभी आरुष ने अपना इंप्रेशन जमाते हुए कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिस्टर कपाड़िया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और सही पूछो तो मैं भी यही सोच रहा था, मेरी कंपनी में कोई भी किसी की बेइज्जती इस तरह से करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैनेजर राजेश का आज आखिरी दिन होगा,
इस कंपनी में, और मैं ध्यान रखूंगा कि पूरी दिल्ली में भी उसे कोई और काम ना मिले। यह सुनते ही मैनेजर राजेश के पांव तले से जैसे जमीन खिसक गई हो, वो खड़ा बस आरुष की बातों को कुछ देर तक समझने की कोशिश करता रहा। वहीं खड़ा अभय मैनेजर राजेश को घूरे जा रहा था। मैनेजर राजेश ने एक बार फिर बोलने की कोशिश करते हुए कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? तभी उसकी बात काटते हुए मिस्टर कपाड़िया ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि जब दो सीनियर बात कर रहे हो तो जूनियर को चुप रहना चाहिए? तभी आरुष बोला, राजेश मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, मिस्टर कपाड़िया का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो उससे पहले अच्छा होगा अगर तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध दो। यह सुनते ही मैनेजर राजेश के होश उड़ गए। वो इतने सदमे में था कि उसे पता भी नहीं चला कि आरुष ने उसे वहां से जाने को कहा है। आरुष ने उसे वहीं पर खड़ा देखकर थोड़ी तेज आवाज में दोबारा कहा, मैंने कहा जाओ यहां से। यह कहते हुए उसने अभय को इशारा किया। अभय ने आरुष का इशारा समझते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और मैनेजर राजेश को पकड़कर वहां से बाहर ले गया। उन दोनों के जाने के बाद कैबिन में मिस्टर कपाड़िया और आरुष एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें कर रहे थे। आरुष को तो इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि अभय ने कॉन्ट्रैक्ट कब तैयार कराया और इसमें क्या क्या लिखा है, लेकिन इस समय आरुष मिस्टर कपाड़िया को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जो हो रहा था उसे चुपचाप होने दिया। दूसरी तरफ अभय मिस्टर राजेश को खींचकर बाहर लाया और इसे थोड़ी देर पहले जहां अभय खुद खड़ा था वहीं खड़े करते हुए तेज आवाज में बोला, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या कहा सर ने अभी? अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और दफा हो जाओ यहां से। जैसे ही अभय की आवाज वहां पर गूंजी, आसपास के सारे लोग फिर से वहीं इकट्ठा हो गए। वह सभी पहले से ही मिस्टर कपाड़िया के कंपनी में आने की वजह से हैरान थे, पर अब ये सुनकर कि मैनेजर राजेश को कंपनी से निकाल दिया है, यह सुनकर तो जैसे उन सबका हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत खुश भी थे जो मैनेजर राजेश की धमकियों से परेशान रहते थे, उनका तो जैसे खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। मैनेजर राजेश ने कुछ कहने के लिए अपनी जबान खोली ही थी कि तभी अभय ने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, क्या कहा था तुमने? मुझे कंपनी से बाहर धक्के मारकर निकाल दोगे और मुझे मेरा बोरिया बिस्तर उठाने में तुम मेरी मदद करोगे? अब मैं बताता हूँ तुम्हें। कहते हुए अभय ने वहाँ खड़े एक चपरासी को इशारा किया और बोला, सुनील मैनेजर राजेश के कैबिन से उनका सारा सामान लेकर आओ और धक्के मारकर बाहर निकाल दो इन्हें और इनके बोरिया बिस्तर को, और अगर तब भी ये यहाँ से ना जाए तो मुझे बता देना। और ये कहते हुए अभय मुस्कुराया और जाने लगा कि तभी मैनेजर राजेश थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ से बाहर फेंकोगे? याद रखना आज की ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर अभय ने भी उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, आज से बल्कि अभी से मैंने सस्ती चीजों का शौक रखना भी छोड़ दिया है। और फिर राजेश के थोड़ा करीब आकर उसे एक लुक देते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ और तुम अपना रास्ता नापो। ये कहते हुए अभय वहां से चला गया। मैनेजर राजेश के साथ साथ शिप्रा भी पास में खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने जो कॉन्फिडेंस आज अभय के चेहरे पर देखा था वह उसे पहले कभी भी दिखाई नहीं दिया था। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज मैनेजर राजेश पर उसी का दांव उल्टा पड़ गया, लेकिन एक मामूली से इंसान अभय ने यह कैसे कर दिखाया? आखिर क्या है अभय की असलियत, कौन है अभय? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभय जैसे ही आरुष के कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आया, उसने देखा कि मिस्टर निखिल कपाड़िया ने पेपर साइन कर दिए और वो आरुष से हाथ मिलाते हुए वहां से जाने की तैयारी में है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही आरुष खुशी से पागल ही हुए जा रहा था, आखिर आज उसके हाथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो लगा था। तभी आरुष की नजर दरवाजे पर खड़े अभय पर पड़ी। उसको दरवाजे पर देखकर आरुष खुश होते हुए बोला, अभय आओ देखो मिस्टर कपाड़िया ने सिग्नेचर कर दिए हैं, अब यह कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है।
यह सुनकर अभय ने गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है सर। कभी पीछे खड़े अभय को देखते हुए निखिल कपाड़िया मुस्कुराया और उसके पास आते हुए आरुष को देखकर बोला, तो मिस्टर ओबेरॉय, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो पूरा हो चुका है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? वैसे भी लंच टाइम होने ही वाला है। अगर आप उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरुष बोल पड़ा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर कपाड़िया, आप तो बस ऑर्डर करें। यह कहते हुए आरुष ने अभय की तरफ देखते हुए कहा, अभय तुम जाओ मिस्टर कपाड़िया के साथ और जितना चाहो उतना समय लो, कोई परेशानी की बात नहीं है, समझो आज तुम्हारी छुट्टी। यह सुनकर अभय मुस्कुरा दिया। तभी मिस्टर कपाड़िया आरुष की ओर देखकर बोले, बस मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त का ख्याल रखें। यह सुनकर आरुष मुस्कुराते हुए बोला, जी जरूर। और फिर अभय और मिस्टर कपाड़िया दोनों ही कैबिन से बाहर निकल गए। अभय और मिस्टर कपाड़िया को बाहर एक साथ हंसते मुस्कुराते आते हुए देखकर कंपनी के लोग एक बार फिर से उन दोनों को हैरान परेशान होकर देख रहे थे। किसी को भी अभी तक इन दोनों के बीच की ये कुत्थी समझ नहीं आई थी कि कैसे यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बिना किसी की भी तरफ ध्यान दिए वह दोनों कंपनी से सीधा बाहर निकल गए थे। थोड़ी ही देर बाद ओबेरॉय रियल एस्टेट कंपनी की बिल्डिंग में सीईओ के कैबिन के अंदर, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपका इतना वफादार आदमी हूँ, आज से नहीं बल्कि सालों से काम कर रहा हूँ मैं आपके पास। यह सुनकर आरुष बोला, राजेश मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत ही वफादार और काम के आदमी हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं मिस्टर कपाड़िया से पंगा लूं इतनी औकात नहीं है मेरी, और यह बात तो तुम भी अच्छे से समझते हो। तभी राजेश जो कि परेशान सा वहां पर खड़ा था, उसने अपनी आवाज को थोड़ा सा दबाते हुए कहा, सर प्लीज मेरे बारे में भी थोड़ा सोचिए, मेरा पूरा घर पूरी जिंदगी ही आपकी नौकरी से चलती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है, अब आप मेरे साथ ऐसा कुछ। तभी उसकी बात को काटते हुए आयुष ने थोड़ा गुस्से से कहा, देखो राजेश, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें अगले 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे रहा हूँ, तुम मेरे इतने दिनों से वफादार रहे हो इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देता हूँ, लेकिन अब बिना किसी बहस के जाओ यहाँ से, ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है मुझे इसके बारे में सोचना है। आरुष की ये बात सुनते ही मैनेजर राजेश का चेहरा उतर गया, वो अपने आप को घसीटते हुए कैबिन से बाहर जाने लगा। तभी वो रुका और आरुष की तरफ देखकर बोला, सर मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ लेकिन जिसकी वजह से ये सब हो रहा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आरुष ने जब मैनेजर राजेश को ये कहते सुना तो उसने राजेश की तरफ देखा और बोला, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो अगर वह तुमने करने का सोचा भी तो मिस्टर कपाड़िया तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये याद रखना। उन दोनों को देखकर इस बात का अंदाजा तो मुझे हो ही गया है कि उन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती है, और वह भी ऐसी दोस्ती जिसमें वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक भरोसे के साथ आरुष ने मैनेजर राजेश से ये बात कही थी। दूसरी तरफ एक 5-स्टार होटल के VIP रूम में अभय निखिल कपाड़िया के सामने बैठा हुआ था। निखिल बड़े ध्यान से हाथ में पानी का ग्लास लिए अभय को देख रहा था, या यूं कहे कि अभय को घूर रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल साफ नजर आ रहे थे। उसे लगातार ऐसे ही घूरते हुए बहुत देर हो चुकी थी। अभय ने गहरी सांस ली और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। ये सुनते ही निखिल कपाड़िया बोला, मैं तुम्हें ऐसे देखना बंद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अभय एक बार फिर से गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह से उठा और मुड़कर अपने गले में पहनी हुई टाई को ढीला करते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है अभी, और इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझसे कोई सवाल करो, इसलिए मेरी बात मानो और मुझसे कोई भी सवाल अभी ना ही करो तो अच्छा होगा। अभय की बात सुनकर निखिल भी खड़ा हो गया। उसने पीछे से आकर अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे सालों तक अपनी पहचान छुपाने का क्या मतलब है, और कहाँ थे तुम इतने दिन? अगर उस समय मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देखता या मैं वहाँ नहीं होता तो तुम क्या करने वाले थे? यह सुनकर अभय और निखिल दोनों ही फ्लैशबैक में चले गए। फ्लैशबैक,
तब है जब उस रात कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में पहुंचा और उसने रिसेप्शन पर बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे सीईओ से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसे लोग सीईओ से मिल क्या उन्हें देख भी नहीं सकते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। ये सुनकर अभय ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। थोड़ी ही देर में निखिल का असिस्टेंट वहाँ पर भागते हुए आया और उसने चारों तरफ किसी को ढूंढा। तभी उसकी नजर अभय पर पड़ी। अभय को देखते ही उसने उसे वेलकम किया। यह देखकर वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। निखिल के असिस्टेंट को वहाँ देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी निखिल के असिस्टेंट ने उस रिसेप्शनिस्ट को डांटते हुए कहा, मिस, तुम्हें कंपनी में कौन आएगा और कौन जाएगा इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए रखा गया है, इसलिए नहीं कि तुम ये डिसाइड करोगी कि कौन सीईओ से मिलेगा और कौन नहीं। और क्या कहा तुमने? इनकी औकात नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से निकलवाता हूँ। यू आर फायर्ड। यह सुनते ही उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपनी आंखों में भरे आंसुओं को बहने से रोकते हुए अपने हाथों को जोड़कर बोली, प्लीज सर, प्लीज मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी अभय ने उस असिस्टेंट को देखकर कहा, इसे जाने दो। और यह कहते हुए वह बिना पीछे देखे लिफ्ट की तरफ चला गया। उसे लिफ्ट की तरफ जाते हुए देखकर निखिल के असिस्टेंट ने उस रिसेप्शनिस्ट को घूर कर देखा और वह भी उसके पीछे जाते हुए बोला, सर आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन अभय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में कपाड़िया बिल्डिंग के सबसे ऊपर 25वीं मंजिल पर बने निखिल कपाड़िया के कैबिन का दरवाजा खोलकर जैसे ही अभय अंदर आया, सामने बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए एक शख्स दिखा जिसकी उम्र करीब 26-27 साल रही होगी। वो भागते हुए आकर अभय के गले से लग गया। वर्तमान में आते ही निखिल ने अभय को देखकर कहा, अगर उस दिन तुम मुझे वह मैसेज करके ये नहीं कहते कि तुम मेरे ऑफिस में हो या मैं तुम्हारा वो मैसेज टाइम पर नहीं देखता तो तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम वापस चले जाते, फिर से पहले की तरह सालों के लिए गायब हो जाते? यह कहते हुए निखिल ने अभय का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। लेकिन अभय ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद निखिल फिर से बोला, देखिया, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है तेरे साथ, लेकिन बचपन में हम दोस्त थे। तू अपने दोस्त और हमारी दोस्ती को तोड़कर बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन मैं आज भी तेरा दोस्त हूँ। तू जानता है आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तेरी वजह से हूँ, इसलिए कभी भी कोई भी कैसे भी जरूरत हो तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ये कहते हुए निखिल अभय को गले लग गया। अभय भी उसके गले लगे हुए मुस्कुरा दिया। तभी निखिल ने उसे झटक कर खुद से दूर किया और बोला, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूँ, तूने जाने से पहले एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और कहाँ था इतने साल तक तू? अगर तू चाहता तो मुझे बता सकता था, लेकिन नहीं, इसीलिए ही ना, क्योंकि तूने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं। ये कहते हुए निखिल का गला भर आया था। अभय भी मन ही मन उसकी बातों को सुनकर परेशान हो गया था। उसकी आंखों के सामने उन दोनों की बचपन में एक साथ खेलते खिलखिलाते मंजर घूम रहे थे। उसने बिना कुछ कहे निखिल को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर उसकी पीठ सहलाकर उसे सांत्वना देने के बाद अभय ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, निखिल, अभी के लिए मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। निखिल ने अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए पूछा, कैसा वादा? अभय ने जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं न चाहूँ तब तक किसी को भी मेरे यहाँ होने या मेरी असलियत के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर निखिल ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी को भी इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा जब तक तुम नहीं चाहोगे, ये मेरा वादा है। निखिल की बात सुनकर अभय मुस्कुरा दिया। तभी निखिल ने कहा, बात पूछूं तुमसे? अभय ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और निखिल बोला, ऐसा क्या हुआ था सालों पहले जो तुम घर छोड़कर चले गए थे? यह सुनकर अभय पलट कर खाने की टेबल के पास जाते हुए बोला, निखिल चलो, मुझे बड़ी भूख लगी, चलो लंच करते। उसका जवाब सुनकर निखिल समझ गया कि अभय इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है। उसने भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ गया।
निखिल ने अभय के चेहरे को गौर से देखते हुए मन ही मन कहा, अभय मैं नहीं जानता कि वो कौन सा राज है जो तुम अपने भीतर छुपा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे तुमने एक समय पर मेरा साथ दिया था, ऐसे ही मैं भी तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस जिंदगी में मैंने तुम दो लोगों से ही मिलने की तो तमन्ना की है, आज मुझे तुम मिल गए, एक दिन वो भी जरूर मिल जाएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? क्या लगता है आपको, क्या करेगा अब राजेश अभय से अपना बदला लेने के लिए? क्या उसके दिमाग में कोई खतरनाक प्लान चल रहा है? ऐसी क्या असलियत है अभय की जो वह पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है? क्या हुआ था सालों पहले जो वह अपना घर छोड़कर आ गया और एक और ऐसी बेइज्जती भरी जिंदगी जी रहा है? और निखिल किसकी बात कर रहा था, वह किस लड़की को ढूंढ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपने ऑफिस डेस्क पर बैठी शिप्रा आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचे जा रही थी। वो आज अभय का अलग ही रूप देखकर हैरान थी, और ऊपर से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसके द्वारा मिलना, इतने बड़े आदमी से अभय की जान पहचान, यह सभी सवाल शिप्रा के दिमाग में घूम रहे थे। शिप्रा यह जानकर जितना खुश थी कि आज उसकी नौकरी नहीं जाएगी, उतना ही वो इस बात से हैरान भी थी कि आखिर कैसे अभय ने यह सब किया होगा। वो इसी सोच में गुम थी कि तभी उसके डेस्क पर रखा फोन बजा। उसने देखा तो उसे सीईओ के कैबिन से आरुष कॉल कर रहा था। उसके कॉल देखकर शिप्रा ने पहले तो मुंह बना लिया, लेकिन फिर फोन उठाकर जवाब देते हुए बोली, जी सर। तभी दूसरी तरफ से आरुष की आवाज आई, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। यह सुनकर शिप्रा ने फोन रखा और एक गहरी सांस लेकर उसके कैबिन की तरफ चली गई। आरुष के कैबिन में पहुंचते ही उसने कांच के दरवाजे से ही देखा कि आरुष उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा है जिसे आज अभय ने निखिल कपाड़िया से साइन कराया था, और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर कुछ कंफ्यूजन से भरे हुए भाव थे। यह देखकर शिप्रा को कुछ समझ नहीं आया, वह दरवाजा खटखटाकर अंदर चली गई। उसे देखते ही आरुष ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अरे शिप्रा तुम आ गई, जल्दी अंदर आओ, देखो इस कॉन्ट्रैक्ट को। आरुष की चहकती हुई आवाज सुनकर शिप्रा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी, उसके चेहरे के भाव हर पल बदल रहे थे, और वहीं खड़ा आरुष भी खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। जैसे ही शिप्रा ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर खत्म किया, वह हैरानी से आरुष को देखने लगी। तभी आरुष ने खुश होते हुए कहा, देखा तुमने, अब तुम मुझे, पहले तो मुझे यह बात बताओ कि अभय मिस्टर कपाड़िया को कैसे जानता है, इन दोनों की दोस्ती है, इस बारे में तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? यह सुनकर शिप्रा मन ही मन बोली, बताती तो तब ना, अगर मुझे खुद इस बारे में पता होता, बेवकूफ। आरुष को जब काफी देर तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो वह फिर से बोला, कहाँ खो गई तुम, बोलो अभय उसे इतने अच्छे से कैसे जानता है, और अब ये मत कहना कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। कॉन्ट्रैक्ट देखा तुमने, मिस्टर कपाड़िया ने हमारी कंपनी से ये फ्लैट 20% ज्यादा दाम में खरीदे हैं। इसका मतलब जानती हो ना तुम, ये सब अभय और मिस्टर कपाड़िया की दोस्ती की वजह से हुआ है। हमें ये फ्लैट बेचने पर 20% ज्यादा मिलेगा, लेकिन कैसे, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है अभय, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर शिप्रा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे इसके बारे में सच में कोई आइडिया नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उसको इग्नोर करते हुए आरुष ने अपनी टोन को थोड़ा लाइट करते हुए कहा, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम से बुलाया था, तुम तो जानती हो ना पिछले दिनों कंपनी में क्या हुआ, उस राजेश ने मुझे अभय के खिलाफ कर दिया था, इसलिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सीईओ होने के बावजूद मैं अपने ईमानदार एम्प्लॉयज को नहीं समझ पाया, ये मेरी गलती है, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन तभी उसे यह भी समझ आया कि आरुष जो कुछ भी कह रहा है वह मिस्टर कपाड़िया के कॉन्ट्रैक्ट को बनाए रखने के लिए कह रहा है। शिप्रा ने भी ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बोली, इट्स ओके सर,
आरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बोल सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह कहते हुए आरुष ने शिप्रा के कंधे पर हाथ रखा। शिप्रा को आरुष का उसके करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शिप्रा ने जल्दी से अपने कंधे से उसका हाथ हटा दिया और बोली, सर मुझे काम है, मैं चलती हूँ। तभी आरुष मुस्कुराया और गर्दन हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। वह जैसे ही पलटकर वहां से जाने लगी, आरुष बोल पड़ा, तुम जानती हो ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने पर इसमें तुम्हारे पति का कमीशन कितना ज्यादा है। ये सुनकर शिप्रा उसकी तरफ मुड़ी और अपनी गर्दन धीरे से हिला दी। आरुष ने भी उसे एक नजर देखकर वहां से जाने का इशारा कर दिया। शिप्रा जल्दी से कैबिन से निकलकर बाहर आ गई। आरुष ने उसके बाहर निकलते ही अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, हाय, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग घुमा रखा है। आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ, ये उन सब में सबसे अलग है। अभी के लिए तो मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने इसे पाने का इरादा छोड़ दिया है। जिस चीज पर एक बार मेरी नजर पड़ जाए, उसे तो मैं पाकर ही रहता हूँ। इसलिए तैयार रहना मिस शुभ्रा, तुम्हें मैं अपने बिस्तर तक लाकर ही दम लूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा और उड़ने देता हूँ। यह कहते हुए वह मक्कारी से मुस्कुराया और जाती हुई शिप्रा को ग्लास डोर से ताड़ने लगा। पूरे ऑफिस में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और अब अभय को एक बड़ा कमीशन मिलने वाला है। निखिल के साथ लंच करने के बाद अभय भी वापस कंपनी लौट आया था। वो जैसे ही कंपनी के अंदर आया, लोग उसे देखने लगे थे। उन सभी की आंखों में उसे अभय के लिए इज्जत साफ नजर आ रही थी। ये वही लोग थे जो आज सुबह तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब बाजी पलट चुकी थी। अब यही लोग उसे बहुत इज्जत के साथ देख रहे थे। काफी लोगों ने तो अभय के कंपनी में आते ही उसे बधाई देते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा। अभय उन सब का बदलता रूप देखकर मन ही मन बोला, साले गिरगिट हैं सब के सब, जहां मतलब देखा वहीं बदल जाते हैं। ये सब मन में सोचते हुए वह सीधे सीईओ के कैबिन की तरफ बढ़ गया। अभय ने कैबिन के बाहर शीशे के दरवाजे से ही खड़े होकर देखा कि आरुष अपने कैबिन में बैठा अभी भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को घूरे जा रहा है। यह देखकर अभय ने मन ही मन कहा, देख ले ध्यान से, ये तेरे लिए वो चारा है जो एक मछली को फंसाने के लिए डाला जाता है, और इस समय तू वो मछली है जिसे फंसाने के लिए मैंने यह जाल बिछाया है। मेरी शिप्रा को तूने अपनी गंदी नजरों से देखा था ना, मैं तुझे इस बात का जल्दी ही जवाब दूंगा। वो जब मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी उसे आरुष की आवाज आई। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो आरुष ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसे देखकर अभय हल्की सी मुस्कान मुस्कुराया और कैबिन के अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, आरुष अपनी जगह से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, वेल डन अभय, तुमने तो कमाल कर दिया। यह सुनकर अभय ने बिना कोई बात किए सीधा कहा, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा कमीशन। यह सुनकर आरुष मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कमीशन तो तुम्हारा पक्का है। ये बात कहते हुए आरुष ने टेबल से अपनी चेकबुक उठाई और कुछ लिखने लगा। तभी अभय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सर फ्लैट की कीमत और हमारे प्रॉफिट से 20% ज्यादा दिया है मिस्टर कपाड़िया ने, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखेंगे जैसे मैंने आपका ध्यान रखा है। अभय की बात सुनकर आरुष को यह समझते देर नहीं लगी कि अभय कमीशन बढ़ाने की बात कर रहा है। आरुष को 20% ज्यादा मिलने की वजह से आज आरुष बहुत खुश था, इसलिए उसने खुशी खुशी चेक साइन करके अभय को देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम पहले का सब कुछ भूल कर आगे भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखो, तो मैं भी तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूंगा। अभय ने जैसे ही अपने हाथ में रखे चेक पर लिखी राशि देखी, वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। तभी आरुष ने सवाल करते हुए कहा, ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं है? अभय ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, थैंक यू, मैं अभी के लिए जाना चाहता हूँ। यह सुनकर आरुष ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ शिप्रा को भी यह बात पता चल चुकी थी कि अभय वापस आ चुका है
वह जल्दी से अपनी जगह से उठी और उसने अपने एक साथी से पूछा, सुनो ये अभय कहाँ है? जल्दी ही उस आदमी ने उसे ये बताया कि अभय सीईओ के कैबिन में गया है। वो भी उसी तरफ दौड़ पड़ी और जैसे ही कॉरिडोर में पहुंची उसने देखा कि अभय सामने से चलते हुए आ रहा था। अभय को देखते ही शिप्रा के पैर वहीं रुक गए। अभय ने भी उसे देख लिया था। वो उसकी तरफ चलते हुए आया और उसके हाथ में उस चेक को रखते हुए बोला, ये लो। चेक में लिखी कीमत देखकर शिप्रा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी बड़ी राशि एक साथ मिल गई है। इस बात के लिए खुश होना चाहिए या फिर इस बात से झटका लगना चाहिए कि कल जो अभय कुछ भी नहीं था, आज एक झटके में उसने अपनी नौकरी के साथ ही इतनी बड़ी रकम भी कमा ली है। इन सब बातों को अपने दिमाग से झटक कर शिप्रा ने अभय की तरफ देखते हुए कहा, चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहते हुए शिप्रा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ शिप्रा के घर पर उसके घर की डोरबेल किसी ने बजाई। विराट जो लिविंग रूम में बैठा एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर एंड मिसेस खन्ना उसके माँ बाप खड़े थे। उन दोनों को देखते ही विराट खुश हो गया और खुशी से अपनी माँ के गले लगते हुए बोला, मॉम आप आ गई। ओ मॉम मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर मिसेस खन्ना ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, क्या सब कुछ ठीक था हमारे जाने के बाद यहाँ? मिस्टर खन्ना उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए घर के अंदर जाकर लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। विराट ने भी मिसेस खन्ना का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए कहा, पहले आप अंदर चलो मॉम, मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि आपके यहाँ ना होने पर कितना कुछ हो गया। यह बात सुनकर मिसेस खन्ना से इंतजार नहीं हो रहा था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी दो दिन भी पूरे नहीं बीते थे तो ऐसा क्या हो गया घर में। वो जल्दी से अंदर जाते हुए बोले, तुम बताओ मुझे क्या बात है। तभी विराट अपनी बातों में नमक मिर्च मसाले का तड़का लगाते हुए उनसे बोला, मम्मा आपके जाने के बाद मैंने शिप्रा से बात की, उस बात के बारे में जो उसके पति ने 3 महीने पहले हमसे कही थी, लेकिन उसके तो तेवर ही बदल गए। वह मुझसे पूछ रही थी कि मेरी औकात क्या है, और वही उसके पति ने भी गुस्से से मेरा कॉलर पकड़कर मुझे धमकी दी कि आज के बाद अगर मैंने उससे इस बारे में बात की तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। यह सुनते ही मिसेस खन्ना का गुस्सा आसमान छू गया। वह गुस्से से चीखते हुए बोली, उस दो टके के लड़के की इतनी हिम्मत कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारे ही बेटे से बदतमीजी करता है, उसका सारा सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक दो, मैं देखती हूँ कि वह क्या करता है। बहुत जबान चल रही है उसकी, अब मैं उसे उसकी औकात दिखाती हूँ। तो आखिर चल क्या रहा है शिप्रा के दिमाग में? कौन से सवाल पूछना चाहती है शिप्रा अभय से? क्या अभय उसके सारे सवालों का जवाब दे पाएगा और क्या विराट की चाल कामयाब हो जाएगी? क्या सच में मिसेस खन्ना अभय और शिप्रा को घर से निकाल देंगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराट के ये कहने के बाद कि अभय ने विराट के साथ बदतमीजी की है और उसे धमकी भी दी है, मिसेस खन्ना का दिमाग खराब हो गया था। वह गुस्से से जैसे फटी जा रही थी। उन्होंने चीखते हुए कहा, विराट उठाओ उनका सारा सामान और घर से बाहर फेंक दो अभी के अभी, वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए, मैं देखती हूँ आखिर फिर वो क्या करेंगे। तभी पीछे सोफे पर बैठे हुए मिस्टर खन्ना ने उन दोनों की बातों को सुनकर कहा, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हैं, जितना विराट इस घर का बेटा है उतनी ही शिप्रा भी इस घर की बेटी है। मिसेस खन्ना को देखकर, विराट इस घर का बेटा है तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि तुम उसकी मनमानी चलने दोगी। मिसेस खन्ना ने यह सुनते ही गुस्से में कहा, देखिए आप तो चुप ही रहिए, अच्छा होगा अगर आप आज ना ही बोले तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर खन्ना ने यह सुनकर एक बार दोबारा कोशिश करते हुए कहा, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो, शिप्रा भी हमारी ही बेटी है, फिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। यह सुनकर मिसेस खन्ना गुस्से में बोली, कौन सी बेटी? वह बेटी जिसने कभी हमसे किसी भी बारे में पूछना जरूरी समझा? क्या ये शादी करते हुए उसने हमसे पूछा था? नहीं ना, तो क्यों रह रही है शादी के 3 साल बाद भी वो हमारे घर में? अरे चली जाए अपने पति के साथ, क्यों नहीं जाती यहाँ से?
और वो उसका निठल्ला पति 3 साल से घर में रोटियां तोड़ रहा था। अब 3 महीने कमा लिया तो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है और मेरे बेटे को धमकी देगा, इतनी औकात भी है उसकी। यह कहते हुए मिसेस खन्ना मिस्टर खन्ना पर चिल्लाए जा रही थी। मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना से ज्यादा बहस करना पसंद नहीं करते थे। वह जानते थे कि बगैर बात की बातों को आगे बढ़ाने में उनकी वाइफ बहुत माहिर है, इसलिए उन्होंने विराट की तरफ देखते हुए कहा, विराट कम से कम तुम तो समझो, वो तुम्हारी बहन है। अगर तुम उसे ऐसे घर से जाने के लिए कहोगे तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। यह सुनकर विराट ने कहा, मैं समझता हूँ डैड, लेकिन आप ही बताइए, कॉलर पकड़ ली उसने मेरी, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। यह सुनकर मिस्टर खन्ना ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी मिसेस खन्ना तेज आवाज में बोली, बस बहुत हो गया, अब आप चुप हो जाइए, आपको इतना सोचना जरूरी नहीं है। ये कहते हुए मिसेस खन्ना ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, आपका खाना मैं आपके कमरे में भिजवा दूंगी, अच्छा होगा कि अगर आप जाकर आराम कर लें। मिसेस खन्ना की बात सुनकर मिस्टर खन्ना समझ गए थे कि वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ भी कहना सही नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले गए। मिसेस खन्ना ने विराट को देखते हुए कहा। यह सुनकर विराट ने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट बिखेरते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दूसरी तरफ ऑफिस में शिप्रा अभय का हाथ पकड़कर उसे खाली कॉरिडोर में एक तरफ ले गई और उसे देखते हुए बोली, अभय तुम मिस्टर कपाड़िया को कैसे जानते हो। यह सुनकर अभय ने उसका हाथ अपने हाथ पर रखते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे एक जरूरी काम है, मैं उसे पूरा करके आता हूँ। यह सुनकर शिप्रा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो उसका भाई विराट उसे फोन कर रहा था। विराट का नाम देखते ही उसने थोड़ा गुस्से से उसका फोन काट दिया और अभय से बोली, लेकिन मुझे ये बताओ तो कि तुम दोनों की दोस्ती कब और कैसे हुई। उसने जैसे ही दोबारा ये कहा उसके हाथ से वो चेक लेते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर अभय ने कहा, आज के बाद मैं तुम्हारी हर नाराजगी दूर करने की कोशिश करूंगा। हमारी शादी के बाद जो खुशियां मैं तुम्हें नहीं दे पाया था, अब मैं उन्हें पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। यह सुनकर शिप्रा फिर से अपने कुछ सवाल पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी शिप्रा का फोन दोबारा बजने लगा। शिप्रा ने फोन की तरफ देखा तो विराट उसे फिर से कॉल कर रहा था। यह देखते हुए अभय ने उसके फोन पर एक नजर डाली और बोला, तुम उससे बात करो, मैं शाम तक वापस घर आ जाऊंगा। यह कहते हुए वो वहां से निकल गया। शिप्रा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। तभी उसके हाथ में रखा फोन फिर से बटा। इस बार उसने इरिटेट होकर गुस्से से फोन उठाया और बोली, हेलो, हाँ क्या है, ऐसा कौन सा तूफान आ गया है जो तुम मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहे हो। थोड़ी देर रुककर दूसरी तरफ से विराट की आवाज आई, तुम्हें मॉम ने बुलाया है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। उसकी बात सुनते ही शिप्रा ने थोड़ा गुस्से से कहा, ओहो तो आखिर तुमने वह कर ही दिखाया जिसका तुम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर विराट ने कहा, मैंने कहा मॉम ने तुम्हें अभी अभी घर बुलाया है, तो चुपचाप अपनी बकवास बंद करो और घर आ जाओ। ये बात सुनकर शिप्रा ने चिढ़ते हुए कहा, मैं भी कोई घूमने नहीं आई हूँ यहाँ, जो कभी भी मुंह उठाकर फोन करोगे और मैं प्रकट हो जाऊंगी। ऑफिस में हूँ, ऑफिस की छुट्टी होने के बाद ही मैं घर पर आऊंगी। ये कहते हुए शिप्रा ने फोन काट लिया और शिप्रा के फोन काटते ही विराट ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, देखा आपने कितनी हिम्मत बढ़ गई है इस लड़की की मॉम, उस लड़के के साथ रहते रहते ये भी दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। ये सुनकर मिसेस खन्ना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने अपने घर के एक नौकर दीपू को जोर से आवाज लगाते हुए कहा, दीपू जाओ उन दोनों का सारा सामान पैक करो और इस घर से बाहर फेंक दो। यह सुनकर विराट के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ शिप्रा परेशानी में अपने सर पर अपने हाथों को रखे बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मिसेस खन्ना ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, मैंने सारा सामान पैक करवा दिया है तुम्हारा, ये उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। यह सुनकर शिप्रा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने भी थोड़ा गुस्से से कहा, मॉम आप जानती भी हैं कि आप ये क्या कह रही हैं? विराट तो आपका बेटा है और मैं क्या हूँ,
यह सुनकर मिसेस खन्ना ने कहा, कहने को तो तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हारे मेरी बेटी जैसे कोई काम नहीं है। मेरा सर दर्द और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। उनकी बात सुनकर शिप्रा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी आवाज को और तेज करते हुए बोली, अभी 6 दिन बाकी हैं हमारे वादे के मुताबिक। आप यह सब बातें 6 दिन के बाद कीजिएगा। शिप्रा की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, 6 दिन गए भाड़ में। 3 महीने में जो नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है वह इन 6 दिनों में हो जाएगा? मुझे नहीं है अब तुम दोनों पर यकीन, इसलिए चुपचाप जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर शिप्रा मन ही मन परेशान हो गई। दुख से जैसे उसका मन भर आया था, तभी उसकी नजर विराट पर पड़ी, जो ये सब होता देख कर मुस्कुरा रहा था। उसने विराट को गुस्से से घूरते हुए कहा, ये सब तुमने किया है ना? क्या कहा तुमने मॉम को? विराट ने शिप्रा को देखते हुए कहा, देखो तुम अब मेरा दिमाग खराब मत करना। मैंने तुमसे बहुत प्यार से कहा था कि 6 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पति ने तो मुझे सीधा धमकी दे डाली। और वैसे भी इन 6 दिनों में ही वो क्या कर लेगा, इसलिए मॉम की बातें मानो और बिना किसी भी तमाशे के चुपचाप अपना बैग उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। उसकी बात सुनकर शिप्रा एक बार फिर से गुस्से में बोली, तुम्हारा घर? अगर तुम भूल रहे हो तो मैं याद दिला दूं कि जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। अगर तुम इस घर के बेटे हो तो मैं भी इसी घर में पैदा हुई हूँ। यह सुनकर विराट ने उसका पड़ा बैग उठाया और उसे घर से बाहर सीढ़ियों पर से नीचे धक्का दे दिया। शिप्रा का बैग सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा नीचे जा गिरा। यह देख शिप्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भरे गले से विराट से कहा, देखो मुझे तुमसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खिला पिला लिया हमने तुम्हें इस घर में रहकर, और फ्री की रोटियां कब तक तोड़ोगी? अब तक तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि पैसा कमाना होता क्या है, इसलिए जाओ और जाकर पैसा कमाओ। तभी मिसेस खन्ना भी बोली, और रही इस घर की बेटी होने की बात, तो यह बैग लो और चुपचाप जाओ। इस घर पर तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं है, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। जैसे ही मिसेस खन्ना ने यह बात कही, शिप्रा के आंसू और तेजी से बहने लगे। अब उससे कुछ बोलते नहीं बना। तभी पीछे से एक कार के रुकने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर उस तरफ देखा तो लिमिटेड एडिशन की नई चमचमाती BMW कार उनके घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। और तभी उस कार का दरवाजा खुला और कार से जो शख्स बाहर आया, उसे देखकर मिसेस खन्ना और विराट के होश उड़ गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करेगी अब शिप्रा? कहाँ जाएगी और कौन निकला उस BMW से बाहर, जिसे देखते ही सब इतना हैरान हो गए? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। लिमिटेड एडिशन की नई चमचमाती कार को अपने दरवाजे पर रुकते देख मिसेस खन्ना और विराट की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी सीधा शोरूम से निकलकर यहां पर आई है। विराट ने अपनी चमचमाती हुई आंखों से उस कार को ऐसे देखा जैसे उसकी कई सालों पुरानी मन्नत पूरी हो गई हो। यह विराट की मनपसंद कार थी। शिप्रा ने भी जब मिसेस खन्ना और विराट की नजरों का पीछा किया और पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा, तभी लग्जरी कार का दरवाजा खुला और जो शख्स उसमें से बाहर निकला, उसे देखकर तीनों ही हैरान हो गए। विराट की आंखें तो जैसे लगभग निकलकर बाहर ही आने वाली थी, तभी शिप्रा के मुंह से धीमी सी आवाज में निकला, अब है क्या इसने वो सारे पैसे इस कार पर खर्च कर दिए? इतना कहकर वह चुप हो गए। अब है कार का दरवाजा बंद कर गाड़ी की चाबी अपने हाथ में घुमाते हुए शिप्रा के करीब आया। उसने दूर से ही बैग को सीढ़ियों से लुढ़कते हुए देख लिया था। वो अच्छे से समझ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। कार की चाबी को अपने हाथ में छुपाते हुए वो शिप्रा के पास पहुँचा और उसे देखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा है शिपी? शिप्रा ने उसे जवाब देने की बजाय अपना ही सवाल पूछा, पहले तुम मुझे बताओ कि यह कार कहाँ से आई? यह सुनकर अभय ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में ली कार की चाबी शिप्रा के हाथ में देते हुए कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। उसके मुंह से यह सुनते ही शिप्रा से ज्यादा तो मिसेस खन्ना और विराट हैरान थे। वह दोनों वापस से अभी कहीं अभय की
इस बात को अपने मन में रिवाइंड करके सुन रहे थे। विराट को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अभय से हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मुझे कुछ गलत सुनाई दे गया, जरा बताओगे कि अभी तुमने क्या कहा, मुझे कुछ गलत सुनाई दिया। तुम हमेशा से ऐसी ही लग्जरी कार लेना चाहती थी ना? मैंने पता किया, अभी का लेटेस्ट डिजाइन और मॉडल यही है, इसलिए मैंने बस ये तुम्हारी खुशी के लिए खरीदी है। ये कहते हुए उसने शिप्रा का हाथ पकड़ा और चाबी उसके हाथ में रख दी। कार की चाबी को देखते हुए शिप्रा के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। शिप्रा जानती थी कि अभय के पास आज इतने पैसे थे कि वह आसानी से एक लग्जरी कार ले सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। घर से बेघर होने की नौबत आ गई है और दूसरी तरफ अभय ने एक कार खरीद कर क्या किया है। वह इस बात को समझना चाह रही थी कि आखिर अभय करना क्या चाहता है। तभी विराट ने एक बार फिर से उन दोनों के बीच दखल अंदाजी करते हुए कहा, तुमने कार खरीदी है? उसका मजाक उड़ाकर हंसते हुए, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई कि तुमने एक कार खरीद ली, और वो भी लग्जरी कार। ज्यादा फेंको मत, सर पर छत नहीं है और बात लग्जरी कार खरीदने की करते हो। अब जल्दी बताओ, किसकी कार चोरी किया तुमने? यह सुनकर शिप्रा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। वो पहले ही विराट से चिड़ी हुई थी। उसने अभय का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और विराट पर चीखते हुए बोली, तुम्हारी कितनी औकात है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मॉम को बहला फुसला कर ये घर तुमने अपने नाम करा लिया है, तो तुम खुद को कहीं का राजा समझने लगे हो क्या? तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई ये है कि तुम खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला एक इतना कहकर शिप्रा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी विराट गुस्से में बोला, बोलो बोलो, रुक क्यों गई? मैं भी तो देखूं कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे मन में मेरे लिए। शिप्रा ने उसे घूर कर उंगली दिखाते हुए कहा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसके मन में किसके लिए कितना जहर है, और तुम तो उन लोगों से भी गए गुजरे हो जो रोड पर भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। तुमने मुझे आज घर से बेघर किया है ना, एक दिन तुम खुद भी सड़क पर आ जाओगे, और याद रखना उस समय तुम्हारी मदद करने वाला और कोई भी नहीं होगा। विराट और मिसेस खन्ना वहाँ खड़े शिप्रा की बातों को सुन रहे थे। मिसेस खन्ना को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विराट ने कहा, जब टाइम आएगा तब की तब देखेंगे, अभी के लिए तुम बस यह बताओ कि इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे आई। ये कहते हुए विराट ने अभय को देखा, लेकिन अभय ने उसकी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वह सिर्फ शिप्रा को देखे जा रहा था, जिसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बह गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। जिस चमकते हुए चेहरे के साथ अभय उसे रोज देखना चाहता था, आज वह चेहरा कहीं गुम सा हो गया था। शिप्रा को ऐसे देखकर अभय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो हम यहाँ से चलते हैं। यह सुनकर शिप्रा ने एक नजर अभय को देखा और फिर मुड़कर जाने लगी। तभी पीछे से विराट की आवाज आई, तुमने तो कहा था कि तुम पिछले 3 सालों का हिसाब किताब किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तो आज क्या हुआ, क्या तुम अपनी बातों पर टिक नहीं पाए? यह सुनकर अभय गुस्से से पीछे मुड़ा। वो कुछ कहता उससे पहले ही शिप्रा बोल पड़ी, विराट अब बहुत हो रहा है, अब अपनी बकवास बंद करो। तुम चाहते थे हम यहाँ से चले जाएं, लो हम जा रहे हैं, तो तुम ये कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर सकते हो। विराट ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाकर कहा, तुम तो अपने पति की तरफदारी करोगी ही, क्योंकि तुम जानती हो कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और वैसे भी जिनके सर पर छत भी ना हो वह अपनी बातों का ही क्या करेंगे। यह सुनकर अभय गुस्से से विराट की तरफ पड़ा। तभी विराट ने भी अकड़ कर कहा, मुझे घूरना बंद करो, तुम ये कार चाहे जहाँ से भी लाए हो, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम शिपी को एक अच्छी जिंदगी दे सको। 3 साल से हमारे घर में मुफ्त की रोटियाँ तोड़कर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तुम क्या खाक उसे खुश रखोगे? चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मैं सोच लूंगा, मैंने वो सब भीख में दे दिया। शिप्रा को अब ये सब सुनकर डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अभय विराट से कोई पंगा ले, लेकिन तभी ये सब सुनकर अभय उसके पास आया और गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोला,
कीमत बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें उन 3 सालों के बदले? यह सुनकर जैसे विराट की आंखें चमकने लगी, उसे अपनी एक चाल कामयाब होती नजर आ रही थी। विराट ने आओ देखा न ताव और सीधे अपनी बात बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने ऊपर से मेरा कर्जा उतारना ही चाहते हो तो कुछ देर रुक कर, यह कार, उसने सामने खड़ी लग्जरी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कार को मुझे देते जाओ, मैं सोच लूंगा कि पिछले 3 सालों का पूरा हिसाब किताब तुमने कर दिया है। यह सुनते ही शिप्रा, जिससे अब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह विराट पर चीखते हुए बोली, विराट तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? ऐसा कर ही क्या दिया तुमने इन 3 सालों में? हाँ मानती हूँ कि अभय कमाता नहीं था, लेकिन मेरी पूरी सैलरी इसी घर में खर्च होती थी। अगर तुमने हमारे रहने का खर्च उठाया है तो मैंने भी अपने और अपने पति के यहाँ होने का पूरा खर्चा दिया है। उसके मुंह से पति शब्द सुनकर अभय जैसे आसमान में उड़ने लगा। तभी ये सुनते ही विराट हंसते हुए बोला, देखो शिपी, अब तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। मिसेस खन्ना, जो बहुत देर से वहाँ पर खड़ी उनकी बातों को सुने जा रही थी, उसने भी अपनी आवाज को थोड़ा धीमे करते हुए कहा, शिपी सही तो कह रहा है विराट, अरे तुम्हें हमारे बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। पिछले 3 साल से तुम इस घर पर रह रही हो, हमने तुम्हें कभी जाने के लिए कहा? अब भी हम तुम्हें तुम्हारी ही भलाई के लिए जाने के लिए कह रहे हैं, और अगर अब भी तुम दोनों ऐसे ही मुफ्त में इस घर में रहोगे तो इस अभय को अकल कैसे आएगी कि इसे अपने और अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहिए? बस तुम्हारे बारे में ही अच्छा सोचकर और तुम्हारे ही कल को अच्छा बनाने के लिए हमने यह सब किया है, लेकिन तुम्हें कहाँ हमारी अच्छाइयाँ नजर आएंगी, तुम्हें तो बस हमारी बुराइयाँ ही नजर आती हैं। शिप्रा मिसेस खन्ना की बातों को अच्छे से समझ रही थी, उसने अभय का हाथ पकड़कर कहा, अभय चलो यहाँ से। तभी मिसेस खन्ना ड्रामा करते हुए दोबारा बोली, हाँ हाँ अब तो तुम जाओगी ही, आखिर तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ मांग जो लिया है, अगर बहन होने के नाते तुम उसकी थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करने लगी? आखिर तुम हमें अपना मानती ही कहाँ हो? तुम्हारे लिए तो हम कोई गैर हैं। एक बार भी तुम अपने भाई के बारे में नहीं सोचती कि अगर उसकी शादी अनामिका से हो जाएगी तो एक अच्छे घर की लड़की इस घर में आ जाएगी और हमारा जो बिजनेस दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है वह फिर से चलने लगेगा, और ऐसा होते ही इसमें उतना ही फायदा तुम्हारा भी होगा जितना हमारा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ हमारा फायदा उठाना है। अगर तुम्हारे भाई ने यह कार मांगी भी तो क्या बुरा कर दिया बोलो? क्या तुम 3 साल से इस घर में नहीं रह रही हो? अरे शादी के 3 साल बाद भी कौन लड़की अपने घर में रहती है, और वह भी मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए अपने पति को भी यहीं पर लेकर। और अगर उसके बदले में तुम लोग यह कार हमें दे भी देते हो तो कौन सी बड़ी बात है? क्यों अब है, तुम तो अपने आप को एक मर्द कहते हो ना, तो कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारे ऊपर हमारे 3 सालों का कर्जा है, तो अब क्या तुम ऐसे ही यह घर छोड़कर चले जाओगे बिना उसके लिए कुछ हर्जाना दिए? मिसेस खन्ना की ये सब बातें सुनकर अभय ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी शिप्रा गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया मिसेस खन्ना, आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी है। आज मुझे समझ आया कि आप सच में सिर्फ एक बेटे की ही माँ हैं। आप जैसी औरत मेरी माँ हो ही नहीं सकती। यह सुनकर मिसेस खन्ना गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उस पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन तभी मिसेस खन्ना को महसूस हुआ जैसे उनका हाथ किसी ने बीच में ही पकड़ लिया है। मिसेस खन्ना और शिप्रा दोनों ने जब उस तरफ देखा तो अभय ने मिसेस खन्ना का हाथ पकड़ा हुआ था और वो अपनी आवाज को तीखा करते हुए बोला, खबरदार, जो आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी कुछ लगती हैं। यह कहते हुए उसने मिसेस खन्ना का हाथ झटक दिया। मिसेस खन्ना हैरानी से अभय को देखे जा रहे